आवाज आ रही है। जी गुरुदेव, नमुना रहे हैं। ठीक सभी श्रद्धालुओं के जो प्रश्न है देवी समस्या समाधान उन्हीं पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न है। प्रश्न क्या, बस जिज्ञासा है। मैं पूछूं? तुम्हारा भी हाँ तुम तो यह प्रश्न के उत्तर देने के लिए आए हो, तुम स्वतः ही प्रश्न करने लग गए। हाँ गुरु जी, एक बस वैसा ही, कुछ वैसा नहीं है। मतलब मन में जिज्ञासा होती है कि जैसे हम ना सभी जोर देते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही साधना, जप, तप, आराधना क्यों किया जाए। मतलब हम इस पृथ्वी लोक पर रह के भी तो हम जब तक, मतलब सन्मार्ग पर अगर हम चलें, तो अगर हम दोबारा भी जन्म लेते हैं पृथ्वी लोक पे, तो क्या उसमें बुरा क्या है? मतलब अच्छा है ना कि, मतलब अब हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया है ना, हम तो। तुम्हें मोक्ष क्या है ये पता नहीं है ना, इसलिए तुम मोक्ष के लिए पेंडिंग रखना चाह रहे हो। मोक्ष अच्छा क्या है ये अगर पता चल जाए जी, तो तुम संसार में ये कभी सोचोगे नहीं कि मुझे इस संसार में दोबारा आना पड़े। दुखालयम अशाश्वतम, जानबूझकर कोई तुम कारागृह में को जाना चाहेगा क्या? नहीं क्या होता है कि बंधन में रहते रहते हम लोगों को ऐसा एक आदत हो गई है कि हमको लगता है कि बंधन में ही इसी में सुख है, क्योंकि जो सुख जी, की जो अनुभूति है, जो वास्तविक सुख है, क्योंकि जो आत्मा है वो सच्चित और आनंद स्वरूप है और ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है। इस संसार में जितना भी सुख है, चाहे वो सौंदर्य का हो, स्त्री का हो, चाहे वो सांसारिकता के किसी भी कोई भी सुख को तुम लेकर आओ सामने, उस सुख का आधार जो है वो आत्मा का प्रकाश है। और जैसे मान लो कि कोई कहीं किसी कमरे में बहुत सारा और वहां कोई बैठा हो और बाहर किसी को दो चार 10 मुद्राएं निकाल के दे रहा हो, तो इसी प्रकार से आत्मा का सुख उस भंडार की तरह है जो उसमें कमरे में भरा हुआ स्वर्ण मुद्रा, और उसको वो अनंत है और नित्य है। नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातना, आत्मा का स्वभाव है कि ये नहीं सुख आया और चला गया, ऐसा नहीं, नित्य हमेशा सदैव कभी जाएगा ही नहीं, दुख है ये नहीं। क्या दुख कोई चाहता है क्या? हमारा जो परिश्रम है किस बात के लिए पता है? सुख पाने के लिए और दुख को दुख न आए इसके लिए प्रयत्न है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं, चूंकि हम लोग जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी संत महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म शास्त्रों का रचना की, उन्होंने चार बातें मनुष्य के जीवन में निश्चित कर दी है कि तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो चार बातों पर निर्भर है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अच्छा केवल ये नहीं कहते हैं कि तुमको मोक्ष ही प्राप्त करना है, धर्म और काम को भी उतना ही महत्व दिया है, जो कि सबकी एक आंतरिक जीव होने के नाते, सांसारिक मनुष्य होने के नाते, प्रत्येक मनुष्य का जो मन है, चिंतन है, स्वाभाविक रूप से वो अर्थ की तरफ भागता है कि अधिक से अधिक धन हो। स्त्रियों का सुख जो है, स्त्री को पुरुष का सुख, पुरुष का स्त्री, परस्पर आकर्षण विकर्षण, ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है, ये भी एक सुख का भाग है। मान सम्मान का सुख, भोजन का सुख, ये सब क्या है? इंद्रियों का सुख है और आगमा, जी, ये आने वाले और जाने वाले, आगमा पायनो अनित्य दुखालयम अशाश्वतम। मान लो कि चलो कोई भी व्यक्ति को कहा जाए, मैं तुमको कहूँ कि तुमको चलो मैं राष्ट्रपति बना दू, प्रधानमंत्री बना दू, तो तुम मना तो करोगे नहीं। परंतु जो लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए हैं उनको पूछो कि तुम्हारी क्या हाल है, जी
क्या वो कहेंगे कि मैं मुझे कोई दुख ही नहीं है? ऐसा नहीं है। अभी बीच में अभी बच्चों के लिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, परीक्षा पे चर्चा, तो उसमें मैंने भी सुना उसको। तो वो ये बच्चे ने प्रश्न किया कि मैं मानता हूँ कि आपको इतना अधिक स्ट्रेस रहता है, इतने अधिक काम रहता है, इतना तनाव रहता है, फिर भी आप इसको कैसे मेंटेन करते, कैसे इसको संभालते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, कि चलो तुमने ये स्वीकार तो कर लिया कि प्रधानमंत्री जी को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। जी 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 सामान्य लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो तो बड़ा उनका तो मौज है उनके जीवन में। अब जैसे हमारा ही जीवन है, मान लो ठीक है, अगर हमारे जीवन में अध्यात्म न होता ना, आंतरिक सुख न हो, ये सब बाहर की चीजें, तो हम लोग, मैं एक कमरे में रहता हूँ, पूरा इस आश्रम के अंदर बना, अभी तो चलो मान लो हमारे थोड़ा घूमने फिरने की जगह हो, पहले तो वो भी नहीं थी, फिर भी मैं बाहर दरवाजे बंद करके रहता था, फिर भी मैं दुखी कभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सुख सुख था तो दुख दुख होता, परेशानी होती, बेचैनी होती, तो फिर आदमी तो बाहर भागता ना। जी गुरुदेव, आपने गुफा में, हम लोग साधु महात्मा गुफाओं में बंद रहते हैं अंदर, अगर उनको कोई वहां परेशानी होती, दम घुटता उनको, उनको वहां इरिटेशन होता, तो वो तो छोड़ के फिर बाहर नहीं निकलते क्या? उनको कोई तालाब दो, उनको पैरों में बांध के तो रखा ना बेड़ी। तो सुख तो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष का मतलब, देखो पहली बात ना, मैंने देखा अधिकांश लोगों को, जैसे वो ईश्वर के विषय में बात तो करते हैं, ईश्वर के विषय में तर्क कुतर्क करते, उन्हें ईश्वर का अनुभव ही नहीं होता है। क्योंकि जहां तक जब ईश्वर को जान लिया जाता है ना, तो फिर चर्चाएं कम हो जाती है। कोई लोग मुझसे पूछे ना ईश्वर कैसा है, तो मैं उत्तर देने के लिए थोड़ा संकोच करूंगा कि उसको क्या बताऊं मैं। जैसे कोई एक वैवाहिक पति पत्नी को ये कहा जाए कि आपका वैवाहिक जीवन का सुखमय कैसा जीवन रहा, विवाह के उपरांत के जो भी कुछ रहा होगा, कैसे हो, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती वर्णनातीत होती है, कितना आनंद अत्यधिक हो जाता है, कोई चीज सुख मिल जाता है, तो उसको आप वर्णन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति परमात्मा के विषय में तो अधिकांश प्रश्न वही करते हैं, जिन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर का साधना नहीं की, वही ईश्वर के प्रश्न, उनके अस्तित्व को अस्वीकार करेंगे, उनको महत्वहीन मान देंगे। ऐसे ही धर्म के विषय में भी है, ऐसे ही मोक्ष के बारे में भी है। मोक्ष क्या है वास्तव में हमें पता नहीं। मोक्ष का मतलब ये सोचते कि हमें बंधन से मुक्ति मिलेगी, अरे तो बंधन तो फिर भगवान क्यों फिर नीचे आते जन्म लेते हैं? जन्म लेने का अर्थ बंधन नहीं है, बंधन है जो कर्म का बंधन है कि हमें जन्म लेना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने अभी दरवाजा बंद किया है, तो क्या मैं बंधन में हूं क्या? दरवाजा तो लगा हुआ है, और जैसे तुमने भी अपना अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, पैक हो गए, बाहर से कब पूछा भाई क्या हो रहा है, भाई रोहित क्या हाल है, अरे दरवाजा तो तुम्हारा बंद है। पर तुमको लगता है क्या कि तुम्हारा दरवाजा बंद है? नहीं नहीं तुमको तो लगता नहीं कि मैं, अगर मान लो कोई बाहर से कोई दरवाजा बंद कर दे, तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी, छटपटाहट हो जाएगी कि मैं किसी भी तरीके से बाहर का दरवाजा खोलो। भाई तुम एक 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 मिनट भी तुम्हारे लिए कोई बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाए, तो तुम एक मिनट भी नहीं रह पाओगे। जी जी। और स्वयं दरवाजा बंद करके तुम मस्ती से आराम से रहते हो दरवाजा अंदर भी। जी जी। तो बंधन होने का मतलब, बंधन तो दोनों तरह का है, एक बाहर का भी है, भीतर का भी है। लेकिन जो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जो बंधन होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी लोक कल्याण के लिए अवतार लेता है, जन्म लेता है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम वेति तत्वतः अत्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म नैति मामेतु सोऽर्जुन, कि अर्जुन ये जन्म जो और मेरा कर्म है ये दोनों दिव्य है, और जो इसको जान ले ना तत्व से, तो वो मुक्ति वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे ही मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम जन्म नहीं लेते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि चलो, अब जैसे मुझे कोई पूछे, मैं मुझसे कोई पूछे महाराज आप, अब मेरा अपना अनुभव का, तो मुझे तो अनुभव होता है कि मेरे तो मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो चुका हूं, मैं तो सतत मुक्त हूं। किसी समय ये छटपटाहट थी कि ये क्या है ईश्वर बंधन कैसे ये सब, अब तो देखो अभी मैं शरीर में हूँ, सांसारिकता में हूँ, आप लोगों की तरह व्यवहार करता हूँ, आचरण करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मोक्ष को प्राप्त हूँ, मुझे कभी बंधन का अनुभव ही नहीं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बंधन में हूं, क्योंकि वो एक अवस्था है। तो जैसे आप जीवन को, अर्थ और काम को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन,
अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, यानी चार प्रकार के भक्तों को वर्णन किया है कि चार प्रकार के जो भक्त होते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो सुकृतिनो अर्जुन, कि जो सुकृति मैंने शुभ कर्म करने वाले होते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ मतलब संकट में भगवान को पुकारने वाले, अर्थार्थी भगवान कहते ये भी मेरे भक्त ही है। ऐसा नहीं कि तुमने भगवान को पुकारा और तुम फिर भूल गए थोड़ी देर के बाद तो तुम स्वार्थी हो गए भगवान की दृष्टि में, ऐसा नहीं है। तुम भक्त ही हो, सब तरह के साधक होते हैं भाई। तुम्हारी एक अवस्था है, तुम्हारे पीछे एक अवस्था है। अभी मैं एक कल छोटा सा, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा मुझे, और वो एक गरीब व्यक्ति था, उसको मजदूर था, उस टोपी पहना हुआ था, और उसी को टोपी में उसको कोई दूसरा उसको चावल और सब्जी जो झूठी बची हुई थी उसको देता है। वो वीडियो देखने के बाद कोई किसी को भी मतलब एक हृदय एकदम द्रवित हो जाएगा कि देखो ये कैसे जी रहा है। तो उसमें नीचे कमेंट में लिखा था कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया है। जी जी, हाथ पैर साक्षात खाने पीने को सब, भोजन पानी। और उस व्यक्ति को ये देखो कि जब वो भोजन पाने जो ये मजदूर वगैरह काम करते हैं तो वो प्लास्टिक के ऊपर पीली सी टोपी पहनते हैं, प्लास्टिक जो कि सिर पे कुछ चोट वोट न लगे इसलिए। तो कहता है कि भोजन लो, तो उसके पास कुछ बर्तन नहीं थे, तो वो उसी को टोपी को निकाल के उसी को साफ करके कहता है इसी में चावल डाल दो, उसी में सब्जी डाल दो, जो कि झूठी थी वो, मतलब बची हुई थी जी, और वो भी प्रसन्नता से ले रहा है, खा रहा है। तो ऐसे भी जीने वाले लोग हैं। तो सबकी अवस्था है, वो अपने एक स्तर पे खड़ा है, वो कोई पशु योनि में जी रहा है, कोई भिखारी अवस्था में है, कोई अमीर अवस्था में है। ये जो भेद है, ये जो स्तर है, वो सबका है। तो ऐसा नहीं है, तो हम एक मोक्ष भी एक स्तर है, एक अवस्था है। अर्थ का भी जो उपलब्धि वो भी एक अवस्था है, परंतु अर्थ जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जैसे मान लो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा धनवान कौन होंगे, अडानी अंबानी होंगे, तो उनसे पूछो भाई तुम्हारे अर्थ से तृप्ति हो गई, अब तुमको तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों ऑफिस में जा रहे हो, घर में बैठो और आराम से मस्ती से आनंद जीवन जियो। जबकि वो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक एक मिनट भी ऐसा नहीं हो, मतलब उसका बड़ा नींद भी बड़ी मुश्किल से आती होगी, वो दिन रात उसी अर्थ के कमाने में लगा हुआ है। क्या तृप्ति हुई? भोगे न भुगता वे में वो भुगता, तपो न तपता वे में वो तपता, कालो न आता वे में वो आता, तृष्णा न जीर्णा वे में वो जीर्णा। ये न तो मैं तपस्या, ये सब समय मैंने व्यतीत नहीं किया, ये भोगों को मैंने नहीं भोगा, तृष्णाओं को मैं प्राप्त नहीं कर सका, मैं ही नष्ट हो गया। ये राजा भर्तृहरि जी का अनुभव था, राजा थे ना वो जी। तो ये जो चीजें हैं वो तुम्हारे अंदर, जैसे तुमने कहा कि नहीं हम इसमें मोक्ष को न छोड़कर हम दूसरी चीज प्राप्त करना चाहे तो वो बाद में पालेंगे, इसको पहले पाले, तुम तृप्त हो ही नहीं सकते इसमें। तो इस जन्म में भी, अगला जन्म में भी आओगे ना, तभी भी तुम्हारे अर्थ और काम के प्रति जो आसक्ति स्वाभाविक रूप से वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। पर एक न एक दिन ये विवेक जागृत होता है, एक न एक दिन तुम्हें चिंतन अनुभव होगा, एक दिन तुम्हें अंतकरण में चोट लगेगी, समझ में आएगा, किसी ने किसी को देखोगे कि भाई किसी राजा किसी का शव जाते हुए देखोगे, धनाढ्य था, स्मशान में जाओगे देखोगे अरे एक दिन तो हमारी स्थिति ऐसी होनी है। ये जो विवेक जागृत होता है तब हमें धर्म के अर्थ के प्रति जो लुलुपता है वो कम होती है, विवेक का अभाव होता है। इसलिए सत सत विवेक बुद्धि, बुद्धि तो सबके पास है लेकिन सत और असत की विवेक बुद्धि जो है वो सबके पास नहीं होती है। फिर वहां पर तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं अर्थ तो ठीक है, आवश्यकता है, काम भी है ठीक है, आवश्यकता है, परंतु ये लक्ष्य नहीं है। अतृप्ति अशांति ये जीवन का भाग बना ही रहेगा जब तक तुम मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते, इसलिए वो जीवन का भाग है, जीवन का लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है, कर सकते। अब तुम ये नहीं तय कर सकते चलो ऐसा करते हैं कि मोक्ष को हम पेंडिंग कर देते हैं, अगले दो तीन जन्म के बाद पालेंगे, अभी तो भरत काम में मस्त रहना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम कर्म के बंधन में हो, मन के बंधन में हो, इच्छाओं के बंधन में हो, वासनाओं के बंधन में हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें, भगवान ये कहते हैं कि तुम ठीक है, तुम्हारी भगवान को कभी ये नहीं कहेंगे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये भगवान कभी नहीं करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, शास्त्र का भी अनुभव, भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके ही तुम्हें मोक्ष को प्रदान करेंगे, क्योंकि अपूर्ण जिसकी कामनाएं हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता।
इसीलिए क्रम में अर्थ और काम को भी बात है। जैसे फिर आप कहेंगे महाराज आपने तो अर्थ काम का तो अनुभव नहीं कर लिया, आपने को सन्यासी नहीं करते हैं, फिर तो मोक्ष को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि वो कैसे कह सकते हो कि तुमने अर्थ और काम का, भाई वो कई जन्म इन सब चीजों का अनुभव कर चुके हैं, फिर उन्हें विवेक बुद्धि समझ में आई। मतलब एक व्यक्ति को जब साधु बनता है ना तो उसको 7 जन्म पार करने पड़ते साधु जीवन में कम से कम, ये नियम है। यदि जिस समय जो व्यक्ति विवेक पूर्वक साधु बन गया, विवेक पूर्वक, हाँ ऐसे खाने को नहीं मिला और फिर कोई बात ऐसा नहीं, विवेक पूर्वक कि ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन जीना है, इस विवेक के साथ जो साधु जीवन व्यतीत करता है, तो फिर एक एक जन्म करते 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 उसको 7 जन्म पार करना पड़ता है। अब ये आवश्यक नहीं कि गेरवा पहन लो तो ही साधु माने जाओगे, ये भी एक धारणा बहुत बड़ी गलत है। आपकी जो साधना का जो स्तर है, साधु यहाँ पर भगवद गीता में साधु शब्द उन सभी लोगों के साथ, सभी लोगों के लिए आया है जो भगवान के भक्त है, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो विशेषकर साधक है, जो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर है, वो सबको साधु कहा गया, परित्राण ये साधु नाम जी। परंतु जो जैसे मैंने कहा ना कि जो शब्द होते ना, ये जो शब्द है ईश्वर, प्राण, धर्म, मोक्ष, साधु, ये जो शब्द है ना, ये बड़े गूढ़ार्थ है, इसके रहस्यमय है। इसको हम लोगों ने बाह्य प्रचलन में आकर, बस जैसे महाभारत की बात आ गई तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को महाभारत कहते हैं, बस क्या हो रहा है लड़ाई झगड़ा, तो महाभारत हो रहा है। महाभारत कितना बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो एक जो नैरेटिव, एक एक उसके नकारात्मक अर्थ समाज के सामने उसको दिमाग में, दिल दिमाग में बैठा दिया, गलत तरीके सीमित कर दिया गया। तो साधु का अर्थ वस्त्रधारी, जो गेरवा वस्त्रधारी हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, वो साधु नहीं है। साधु तो मान लीजिए वो श्वेत वस्त्रधारी तो फिर कोई भी हो सकता है, कोई रावण ने भी साधु वस्त्र पहन कर तो उसको साधु तो नहीं कहोगे ना। नहीं, साधु का मतलब होता है जो सज्जनता का, सरलता का व्यवहार करे, जो जो किस परिहित में लगा रहे, जैसे उसमें लिखा है कि खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो धन दान में प्रयोग करता है, अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करता है, और अपने बल का प्रयोग रक्षण के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति को साधु माना गया। खल के विपरीत मतलब जो दुष्ट का जो विपरीत शब्द है वो साधु है। दुष्ट, दुष्ट का विपरीत अर्थ क्या होगा, विरुद्ध अर्थ क्या होगा, सज्जन, उसी को साधु का। खलस्य साधो विपरीत में तत्व, विपरीत अर्थ ये ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये इस प्रकार से है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि हम केवल इसी तक सीमित रह जाएंगे। तुम लोग न चाहते भी, यदि तुम लोगों ने धर्म का आचरण किया, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार अर्थ का अर्जन किया और काम का सेवन किया, अपने आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, ऑटोमेटिकली उस लेवल पे पहुंच जाओगे। कल ही मेरे एक अच्छे गृहस्थी व्यक्ति है, पर वो अच्छे भक्त है, अब वृद्धावस्था को प्राप्त, चर्चा कर रहा था मैं, उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि अरे आप तो साधु जैसा सन्यासी जैसे ज्ञान बात करते रहते हो। कहते कि बोले स्वामी जी मेरा जो जीवन है ना वो बड़ा वैसा रहा है, धर्म में रहा है, किसी का मैंने गलत चीज ग्रहण नहीं की, अधर्म का धन एकत्रित नहीं किया, मेरी जो है मैंने कभी व्यभिचारी जीवन नहीं जिया, तो अब मेरा जो जीवन है वो स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त हो गया है, स्वतः ही, मतलब कोई उन्होंने तपस्या नहीं की, साधना नहीं की, और वो वही ज्ञान की बातें कर रहे, वो वही चिंतन, वही अवस्था उनके, जो हमें हमारी स्थिति। मैंने कहा कि आप हमारी स्थिति को कैसे प्राप्त होगा जो जिस स्थिति में हम लोग जीते हैं। तो यदि आप इसमें स्वल्पम अप्य से धर्म से त्रायते महत्व भयात, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप सत्कर्म धर्म कर तो आपको श्रेष्ठ मार्ग को ले जाता है, तो मोक्ष की ओर आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। जैसे तुम्हारे जीवन की लालसा, कामना, अर्थ है ना, धन है, काम भोग, अब जैसे काम के अंतर्गत केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग को ही काम नहीं कहते, काम कहते 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी हम विषय ग्रहण करते हैं उसको भोग, विषय भोग कहते हैं। जैसे आंखों के द्वारा सुंदर दृश्य देखना वो भोग हुआ, स्पर्श का सुख होता है, इंद्रियों का सुख होता है, जिह्वा का सुख है, कान का सुख है, ये कई जो 5 इंद्रिया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो विषय हैं इनका, इन भोग करने को
ये विषय भोग कहते हैं। तो इनको हम जो प्राप्त करने के बाद, और वो भी धर्मयुक्त, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीवन मोक्ष की तरफ जाएगा। तुम ये नहीं कह सकते कि स्वामी जी हम इसको अगले जन्म के लिए पेंडिंग कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब साधारण सही तरीके से जीवन जियोगे ऑटोमेटिकली मोक्ष की तरफ जाओगे और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अनुष्ठान काल में गुरुदेव ऐसा भी होता है, जैसे हम जिस समय भी हम अनुष्ठान में होते हैं तो जो हमारी मानसिकता है वो अंतर्मुखी हो जाती है हमको, मतलब अब अगर बैठे हैं तो हमको बाहर जाने का मन ही नहीं करता, और यदि बाहर चले भी जाएं, जैसे हम ऑफिस जाते हैं या मार्केट का सामान लेने भी गए, तो ऐसा लगता है जैसे ना हम फंस गए, हमको ऐसा लगता है कि भागो यहाँ से, मतलब वो ऐसा, मतलब मैंने खुद महसूस किया कि जब भी हम, अब जैसे हाँ, कहते अरे ये तुम्हारा टाइम थोड़ी है, अरे भाई एक बात बताओ, सुख भोगने का, सुख पाने का कोई आयु तो होती नहीं है। नहीं नहीं जब हमें अध्यात्म में से सुख मिल रहा है, हमें सुख चाहिए बस जी, और जब बिना परिश्रम के ज्यादा, मतलब जैसे कोई बाह्य चीजों के द्वारा सहज सुख राशि, जब हमें मान लो कि मैं मेरे खाते में सहज में ही ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मेरा खर्चा चल रहा है जी जी, कहीं से भी, मतलब मान लो कोई कहीं से ब्याज आ रहा हो या माता पिता का कहीं सेविंग्स मुझे मिल रही हो, कुछ भी हो, सहज में कोई भेज दे रहा हो, दान दक्षिणा भेज रहा हो, तो मैं क्यों इतना तुम्हारी तरह जो है वह भागा दौड़ करने के लिए सुबह से ऑफिस जाऊंगा। तो ऐसे ही अनुष्ठान या साधना का जो सुख है ना, ये ऐसा ही है, सहज सुख राशि सतत ही तुमको मिलने लगेगा। मोक्ष जो होता है ना, ये प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही, वो जब तुम जीवन जीते हो वो ऑटोमेटिकली एक अवस्था आती है, प्राप्त होता है। जैसे ब्राह्मण भी जो शब्द है ना, ब्राह्मणत्व, ये भी एक अवस्था है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया था, ब्राह्मणोयम तपसो ग्रहण प्राप्तवान मुसि कौशिक, कि हे विश्वामित्र तुमने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, एक अवस्था है। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होना, ब्राह्मी स्थिति शब्द आया है, तो वो स्थिति को पहुंचने के बाद वो ब्राह्मण कहलाता है। तब उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण, जब शब्द आ गया, ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दूसरों के अंदर आशीर्वाद देने का और श्राप देने का अपना उसकी संकल्प सिद्धि उसके अंदर आ जाती है। अब हम साधु के पास कुछ होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जो एक संकल्प होता है ना, हमने जिसके लिए सोच लिया, दिल से हृदय से सोच लिया, हृदय से बोल दिया, जो संकल्प कर दिया, वो नहीं है फिर वो सृष्टि प्रकृति अपने आप सिस्टम से चलती है फिर हमारे वो संकल्प के अनुसार। बस यही विशेषता होती है, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म को, उस मूल तत्व को हमने उसके साथ में संसर्ग में है, उनके साथ पकड़ में आ गए, ये सिद्धि। तो इसलिए समय लगता है, अनुभव है वो भी तुम लोग, मैं कहता हूँ अगर चारों तुम एक साथ मिल जाए तो क्या समस्या है जी गुरुदेव। वो बाह्य जो समाज है ना उसके साथ फिर सामंजस्य बिठाने में ना एक दो दिन लगते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि वो जो एक रस है वो एक आंत, मतलब उसमें लगता है बस ठीक है एकदम ना। नहीं तो मैं कहता हूँ बाह्य समाज अगर मान लो तमसिक है तो हम क्यों, हम अपने को उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए हम क्यों प्रयत्न करें? वो हमारे साथ सामंजस्य बिठाने के लिए वो लोग प्रयत्न करें ना जी। आप लोगों की साधना इस तरह की हो कि वो उसका जो वाइब्रेशन है, जहां जाओ जिस वातावरण में, चेंजिंग आना शुरू हो जाए, आ जाता है, आ जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, तुम 10 दिन तुम तिलक लगा के चलने चल लग जाओ ऑफिस में जाकर, और बैठ के माला जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, हनुमान जी से इन लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, दूसरे दिन, दो चार दिन, दूसरे तीसरे दिन तिलक लगा के आना शुरू कर देंगे जी। जी गुरुदेव एक प्रश्न ले लें। एक मनु रक्षण जी हैं, ये पूछ रहे हैं, जब मैं अनुष्ठान शुरू करना चाहता हूं तो बड़ी बड़ी बाधाएं जैसे सूता का पानी की समस्या, बीमारी आ जाती है, वह शुभ समय बीत जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता, अब मेरा मार्गदर्शन करें। बस यही होता है जी, यही एक समस्या होती है, हम तुम्हें बता रहे ना जी। ये जो बाधाएं होती है अध्यात्म, ये जो साधना की, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसे आप ये तय कर लोगे कि आपको एक साधना करनी है, अनुष्ठान करना है, संकल्प मन में भाव उत्पन्न हो गया, बस उसी समय आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। मूल रूप से इतने सारे मंत्र है, साधना है, विधि विधान है, गुरु है, संत है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये विघ्न
उसमें उत्पन्न होते। तो विघ्न तो है ही है, आप कोई भी श्रेयान बहु विघ्नानि, ये सूत्र है, आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य, कोई भी श्रेष्ठ पद बिना विघ्न के नहीं प्राप्त कर सकते। आज के समय में एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, और आप तुम जैसे आज तुम एक डिग्री प्राप्त किए हो, या एक इंजीनियर बनो, या डॉक्टर हो, जो भी स्थिति में हो, तो क्या वो एक दिन में प्राप्त हुआ क्या, एक वर्ष में प्राप्त हुआ क्या, वो दो पांच वर्ष में प्राप्त हुआ क्या? नहीं, तुम्हें सतत करना पड़ा। और ऐसा भी नहीं कि चलो ये प्रतिदिन तुम्हें स्कूल जाना है, प्रतिदिन तुम्हें पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, तो सतत अभ्यास से ये चीज प्राप्त होती है। तो जो भी आध्यात्मिक जो चीजें भी है, साधना की स्थिति, बहुत से लोगों को लगता है कि चलो, पहले हमें भी लगता था, शुरू शुरू में मन में था कौन से देवता को चुने, हमें भी लगता था कि एक ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त कर ले कि पास फिर बाद में सब मेरे जो भी जिसको बोलूं गदा मारना गदा लग जाए, जिसको जो कहे वो हो जाए, मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति बना ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लूं, मंत्र मुझे पता है और मैं बैठ ही सकता हूं, मैं कर ही सकता हूं, तो क्यों ना मैं कर लूं। कई साधु महात्मा कहते यक्षिणी साधना अप्सरा साधना, ये भी थोड़ा सा एक लोभ लालच होता है, थोड़ा सा मानवीय भावना आता था कि चलो यक्षिणी सिद्धि कर लेते तो सब कुछ प्राप्ति हो गया, एक दो महीने के अंदर यक्षिणी आ ही जाएगी, फिर क्या जरूरत है, फिर रुपये पैसा कुछ मिल गया तो फिर आराम की जिंदगी। लेकिन पूछो कितने साधु के पास यक्षिणी सिद्धि है, नहीं होता भाई, ये सब चीजें इतनी सरल नहीं है। ये जीत दिख रहा है ना, कोई भी चीज सोच रहे होंगे कि साधना का मार्ग ऐसे सरल हो जाएगा। आप लोगों को आज अगर ये अध्यात्म मार्ग में कई स्तोत्र अनुष्ठान आदि सब करवा रहे, तो किसी की ऊर्जा लग रही है इसके पीछे, शुभ संकल्प काम कर रहा है, जो आप लोग इस अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर जा होते हो, जब जो संत महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो समाज में आकर अपने आध्यात्मिक तप करते, ऊर्जा फिर समाज को देते हैं, और एक समूह को वो मार्गदर्शन देकर अध्यात्मिक अग्रसर करते रहते हैं। इसलिए जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान की किसी न किसी रूप में वो इस प्रकार के हर 500 वर्ष पे दो चार दस महात्मा साधु पृथ्वी पर रहते ही रहते हैं, और जो समाज को सच्चे में धर्म के पथ पे ले चलते हैं। अब ऐसा नहीं, वो दरबार खोलने वालों की बात नहीं है सब, तो वो तो बस केवल अपना वो परिवर्तन लाते, जो जो जीवन को परिवर्तित कर दे, और जो मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर करे, तो समझ लेना चाहिए कि वही संत है, वही गुरु है, वही महापुरुष है। तो आप इस दिशा में भी प्रयत्न करते रहो, विघ्न बाधा आ रही है तो दो कार्य करें, एक तो वो गणेश जी की सर्वप्रथम उपासना करें। कई लोग कहते हैं महाराज हमें साधना करने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ एक सूत्र। सर्वप्रथम आप महीना दो तीन, क्योंकि गणेश जी की साधना में उपासना में विघ्न कम आते हैं, ये पहला काम है। इसलिए जिस भी साधक को, एक आज में अच्छा सूत्र आपके मेरे हृदय से प्रकट हो रहा है आप सभी के लिए, कि आप जब भी कोई साधना के मार्ग पर अग्रसर कर जा रहे हैं, बहुत विघ्न आ रहे हैं, अब जीवन का आरंभ जो है गणेश जी की उपासना से करिए, ये कार्य करिए सबसे पहला। अब इसमें आप लोग गणेश जी के अथर्व शीर से पढ़ सकते हो। अच्छा, ये मैंने, आप देखा होगा कि मैंने ये शतनाम स्तोत्र या अथर्व शीर्ष आदि जो स्तुति सुक्त है, या जो भी कवच वगैरह है, ये जितना भी है, ये मैंने इसके अनुष्ठान विधि आपको क्यों बताई, क्योंकि ये सार्वजनिक है, इसके लिए मंत्र दीक्षा की आवश्यकता शास्त्रों में नहीं बताई गई, और शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में उसका वर्णन है, शास्त्रों में उसका फल लिखा हुआ है, ये उसका फल है, और जो ऋषि मुनि ने लिखा है वो सत्य है। आपके अनुभव में आ रहा है तो आप सौभाग्यशाली है, नहीं आ रहा है तो प्रयत्न करो तो आएगा, क्योंकि वो सत्य है। तो इस प्रकार से यदि आप साधना के मार्ग पर गणेश जी की आराधना करते, तो ये दूसरा उपाय क्या है, यदि आपको ऐसा लगे किसी संत के प्रतिदिन में अच्छी भावना बनती हो। अभी एक साधारण सा विचार, अपना मजदूरी का कार्य करने वाले एक श्रद्धालु आया था बाहर से बैठा, वो आया मेरे पास, गुरुजी हम आपके जब से आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, बस आपको ही गुरु मान लिए हैं, आप ही की साधना करते, आपके मार्गदर्शन से हमने षटकर्म सीख लिया, तर्पण करना सीख लिया, बजरंग बाण पढ़ रहे, कई अनुष्ठान कर लिए, और एक वो मतलब एक प्रकार से वो कर्मकांड वगैरह सब मतलब पूरा परफेक्ट हो गया वो व्यक्ति, साधना के अनुष्ठान का साधक। फिर वो यहाँ आया बैठा, कुछ समस्या रही होगी, लेकिन यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में आते से ही उसका उसकी सारी जैसे लगा कि मेरी सारी प्रश्न ही समाप्त हो गए, वो समझ वो भूल गया एकदम कि मैं किस लिए आया था यहाँ पे, वह एकदम आनंद मग्न हो गया। उसको दिव्यानुभूति उसको रिकॉर्ड करके रखा है मैंने, दो चार बातें उसने वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखी मैंने, कि उसने मेरा अनुभव बताया।
तो क्या क्यों हुआ? क्योंकि साधना के स्तर को प्राप्त हुआ। तो आप ये सरल था, इसके लिए मुझे मेरे पास आना आवश्यक नहीं है, श्रद्धा रखो मान लो। और उसको मैं जानता भी नहीं था, न कभी मैंने उसका फोटो देखा, न कभी, नहीं कभी हो सकता है इधर उधर कभी, जैसे मान लो ये लाइव में देवी समस्या समाधान कभी कभी हम लेते हैं, पर मैं किसी का वो वीडियो वगैरह मैं ऑन नहीं करता, मैं उन लोगों को देखता हूँ बस। भाई तुम्हारा समाधान से मतलब है, चेहरे से क्या लेना देना है? तो ठीक है, तो हो गई होगी चर्चा वगैरह वैसे कभी कभार, लेकिन फिर भी वो आज उसकी स्थिति देख कर, एक मजदूर साधारण व्यक्ति देखकर, उसकी जो वाणी जो उसकी बातें देखकर बड़ा संतुष्ट में जीवन लगा, कहा कि मैं बहुत सुख और आनंद अनुभव कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये सब चीजें साधना आपको दी है, आप इसको करो, इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आप गणेश जी की साधना करोगे तो समझ लेना चाहिए कि आपका आधार मजबूत हो गया। आप जब ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो क्या होता है उस समय जो एक दूसरा पैर होता है ना नीचे वाली सीढ़ी पर, पूरा भार उस पे आ जाता है, पूरा भार उस पर आ जाता है ना जी, और जी, पूरा भार उस पर देकर ही आप अगले सीढ़ी पर पैर रख सकते हैं जी। तो वो जिस पर आपने वो पैर रखा है वो आधार मजबूत होना चाहिए, और वो कच्चा रहा, वो सीढ़ी कमजोर रही, तो क्या होगा, आप अगली सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाओगे, वह गिर जाओगे, उस पर डबल भार आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना आधार मजबूत करिए। और आधारभूत साधनाएं कौन कौन सी है? गणेश जी की उपासना, किसी गुरु का संपर्क सानिध्य, और दिग्बंधन, रक्षा कवच, रक्षा मंत्र, ये आपके आधारभूत साधनाएं बनती है, ये आपके साधना का आधार बनेगा। कई लोग कहते हैं मुझे, आप स्वामी जी आप बजरंग बाणी क्यों कहते हैं, बजरंग बाणी क्यों कहते हैं? मैंने बजरंग बाण में ये सारे आधार समाहित है, क्योंकि हनुमान जी की जब आप आराधना करोगे तो वही बात है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि रहु कलेश विकार। तो आपका बल और बुद्धि के प्राप्त होती है, आपका आधार मजबूत होता है, आपको एक देव शक्ति का सानिध्य मिलता है। बजरंग बाण पढ़ने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जहां आपने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया वहां पे हनुमान जी खड़े हो गए, समझ लो इतना ये पावरफुल बजरंग बाण है। मेरे जीवन में जब पहली बार मैं बजरंग बाण पढ़ा, जब मैं अस्वस्थ हो गया था शरीर से, पास में एक पत्रिका में बजरंग बाण लिखा हुआ था, और वो पत्रिका से बजरंग बाण में पढ़ने लगा, वही लिटिलिटी पढ़ा मैंने, वो चमत्कार जीवन में देखा, और दूसरे तीसरे दिन ही उसके अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां होने लग गई, दिव्य दर्शन होने लग गए। ये क्या बात है भाई, इतना पावरफुल। फिर मैंने एक पड़ोस आसपास में कोई लोग थे, श्रद्धालु आते थे, तो उसके किसी को दिया पढ़ने के लिए, उसने पढ़ा तो उसका जो 4 साल का बालक कहता है कि अरे हटो हटो हटो, हनुमान जी आ रहे, हनुमान बापा आ रहे, हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा कहाँ है, बोले वो देखो, 3-4 साल का लड़का था, बंधकरण से शुद्ध, तो उसको हनुमान जी दर्शन दे रहे थे जी। और जी, पहली बार पहले दिन बजरंग बाण पढ़ा, उस समय ये 108 पाठ और ऐसा भी नहीं बताते था, मतलब कहता था कि चलो 11, 21, 51, 108 जितना भी हो सके पढ़ो। तब मुझे लगा कि बजरंग बाण मतलब जहां आपने जय हनुमंत संत हितकारी बोला, बस हनुमान जी तुरंत गदा लेकर तैनात। तब मुझे समझ में आया कि ये बजरंग बाण इतनी दिव्य साधना है, तो मैंने जीवन का एक भाग बना लिया था कि जब भी कोई भूत प्रेत, क्योंकि 10,000 में 9,999 जो है वो यही भूत प्रेत वाले ही होते थे, ज्ञान पाने के लिए तो कोई आता ही नहीं, तो मैं बस प्रिंट करके रखता था बजरंग बाण। मेरे पास अभी भी पुराने प्रिंट पड़े हुए, जो पीले और लाल वाले पैम्पलेट पे जो छापते थे हम लोग पहले जी। तो जब मैंने उसको जब बांटना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया, तो लाभ लोगों को जब मिला, तब मुझे लगा कि हाँ ये साधना बहुत बन सकती है। और देखो आज वही चीजें आप लोगों के समक्ष है, आज ये बजरंग बाण अभियान विश्वव्यापी अभियान बन रहा है। आज कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि नहीं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, तो 10 गदाधारी हमारे जो है पहुंच जाते हैं कि नहीं तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है जी गुरुदेव।
यशराज मौर्य जी हैं, इन्होंने ये पूछ रहे हैं, कृपया कर मुझे कोई मार्ग बताइए, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। 2 वर्ष में मंदिर में सेवादार रहा हूँ, लोग कहते हैं पूजा करने का यह नतीजा मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, बीमारी के लिए तो मृत्युंजय स्तोत्र दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप उसका देखो अनुष्ठान पहली कर बात तो सकते ये हैं। होता है, मंदिर में आप रहते हैं, आजकल क्या हो रहा है, जी मंदिर कहाँ मंदिर है यही समझ में नहीं आ रहा जी 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 है ना। मंदिर का जो मैंने कल बताया ना कि मंदिर में आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा और चेतना होनी चाहिए। जी अभी हमारे यहाँ कई जगह पे देखा मैंने, एक जगह पे एक मंदिर बन रहा था शिव जी का, ठीक है। अब शिव जी का मंदिर बना भी मैंने, अभी शिव जी की मूर्ति स्थापित नहीं हुई, तब तक जो जो अड़ोस पड़ोस की जो मूर्ख महिलाएं थी, अनपढ़ जो ज्यादा कुछ को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो 4 लोग बैठा इकट्ठा होकर, चलो बोले शीतला देवी की मूर्ति बैठाते हैं, और वो इतनी एक्टिव फटाक से, अब उन कौन से धर्म शास्त्र में शीतला माता की मूर्ति बैठाने के लिए लिखा गया है, शास्त्र में दुर्गा जी की मूर्ति बैठाई है, शिव जी की मूर्ति, ये तो शास्त्र में जी वर्णन आता है, जी जी ये जी शीतला जी माता की मूर्ति बैठाने का कहाँ शास्त्र में कहीं वर्णन तो आता, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से विद्वान निकल जाती है। और फिर फटाफट फटाफट घूमी, चंदा वंदा भी इकट्ठा कर लिया और शीतला माता की मूर्ति लाकर बैठा भी दिया। जी और ये हमारे महान पुरोहित कर्मकांड वाले जो, जिनको बस दक्षिणा से मतलब होता है, धर्म जय धरातल पे चला, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, पहुंच जी गए और वो अशास्त्रीय पद्धति से शीतला माता जो मन में आए सो श्लोक पढ़ना, ये करना वो करना, और हाँ ठीक है बैठा दिया, मत हो गया, दो चार श्लोक पढ़ दिए विष्णु सहस्त्र नाम के, दो चार श्लोक, एक दो चार श्लोक बोल दिए, कोई इसका काल भैरव अष्टक का एक श्लोक बोल दिया, जी ओके श्लोक पढ़ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि पंडित जी तो बड़े मंत्र पढ़ रहे हैं, बैठा दिया। जो शास्त्रीय पुरोहित होगा, जो विद्वान पुरोहित होगा, वो कभी भी इस प्रकार का अधर्म कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बैठाना है तो उसके लिए मंदिर का निर्माण कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कम से कम छत छत तो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं अभी जी वहाँ। और दूसरी बात, वो शास्त्रीय देवता भी नहीं है, उसमें बैठाना भी है वहां पे, चलो भगवान शिव जी का अभी मंदिर बनी रहा, पहले शिव जी की स्थापना होती, फिर वो अन्य गणों के रूप में पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, आप हनुमान जी, भैरव जी, ये जो शास्त्रोक्त पद्धति से जो देवताओं की स्थापना होती है, जैसे देवी की मूर्ति आप स्थापना करते हैं तो वहां पर हर देवी का अलग अलग भैरव होता है, आप कोई भी भैरव की मूर्ति नहीं लगा सकते, जी वो उसी उन्हीं का भैरव होना चाहिए। तो ये जो मूर्ति की स्थापना है या मंदिर का निर्माण है, ये बहुत बड़ा दिव्य विज्ञान है, ये साधारण लोगों का काम नहीं है, और इसको संभाल के भी रखना है, इसको और आगे अग्रसर करना है, इसके लिए उस स्थान में उस जप तप यज्ञ आदि होना चाहिए। और जहां ये जप तप यज्ञ आदि कर्मकांड होते हैं, मैं निश्चित कह सकता हूं वहां पर इस प्रकार का कोई सेवा करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं अपितु पड़ेगा। तो यदि कोई बीमार है तो वो ठीक होगा। अब उस दिन मैंने लाइव में तुम लोगों ने देखा होगा, बंगाल से कुछ लोग आए थे आश्रम पे, और वो महिला 25 वर्ष से वो चल नहीं पाती थी, यहाँ से वहां तक भी चलना पैरालिसिस टाइप के जो उसका शरीर हो गया था, और हमने भी कुछ पर आश्रम की जो दिव्यता थी कि वो आश्रम के दिव्य वातावरण में रहने के उपरांत तो वो उसकी बीमारी यहीं चली गई। अब घर में गई तो फिर हल्की सी बीमारी, मतलब वैसी स्थिति फिर बन गई, लेकिन आश्रम में आते से ही चली गई। तो आश्रम में जहाँ आश्रम हो, जहाँ मंदिर हो, जहाँ सात्विकता हो, सात्विक ऊर्जा हो, वहां जहाँ जप होता हो, जब वहां यज्ञ होता हो, वहां आप सेवा करो, वहां पे आप निवास करो और आपको फिर बीमार पड़ जाओ, ये असंभव है। नहीं हो सकता जी। गुरुदेव तो दो चीजें हो सकती है, एक तो वहां पर क्या मंदिरों में भी आहार विहार शुद्ध नहीं रह गया है, पहली बात तो सात्विक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, आजकल नौकर बना रहे, चलो नौकर भी बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को भी तो सात्विक होना चाहिए, नहीं वो तंबाकू भी खा रहे है, और फिर वो ना वो जो भी आश्रम में भी जो है सात्विक चीजें आ रही है, जैसे हमारे सरसों का तेल आता है तो हम पेरा कर लाते हैं, ये रिफाइंड वफाइंड ये सब ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं जो आश्रम के अनुरूप शुद्ध और सात्विक होती है। हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं, हमारा शरीर मान लीजिए कभी कभार जैसे बाहर की चीजें ग्रहण करें, कोई चीज वातावरण में, तभी शरीर अस्वस्थ हो जाए, और हम आश्रम में भी हैं तो बस वही थोड़ा बड़ा आयुर्वेदिक का दो गोली खाई तो खाई ना, तो आश्रम से कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही स्वस्थ हो जाते हैं आश्रम में रहते रहते। तो इसका अर्थ यह है कि उस आश्रम या मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण ऊर्जा की कमी है। दूसरा, इनके आहार विहार की गड़बड़ी रही होगी, मंदिर में रह रहे हो लेकिन आहार विहार भी तो शुद्ध होना चाहिए ना, नहीं तो कई लोग गंगा जी के किनारे रहकर भी मछली मारते हैं तो उनका मोक्ष कैसे होगा भाई। जी जी हम तो रह रहे हैं गुरुदेव, हरिद्वार से पूरा ये जो गंग नहर पूरी रुड़की आ रही है,
बहुत बुरा हाल है लोगों को देख के ना, जब वहां पे ऐसा करता है मन तो करता है कि इसीलिए पिछले धक्का पहले दे दे। ये मत सोचो, इसके लिए आप मंदिर और भगवान को दोष मत दो। जी, अपने में ही कमी होती है। कमी आप में है कि कहीं ना कहीं आहार विहार में आचार विचार में आपकी कमी रही होगी। दूसरी बात ये है कि जी, जब भी मैं देखा हो कि कहीं कुछ हो गया तो भगवान को ही सीधा जो है दोष देना शुरू करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो साधन का धाम मोक्ष कर द्वार है, पाइन जय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे, फिर यहाँ वो दुख पाता है, सिर धुनी धुनी पछताई, वो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर ईश्वर पे दोष लगाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप में कुछ आहार विहार में कमी होगी। मंदिरों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी मंदिर के पुजारी है, मंदिर के जो ट्रस्टी है, मंदिर के जो व्यवस्थापक है, वो जप और यज्ञ पर विशेषकर ध्यान दे। तो उस जो शास्त्रोक्त तो जप है, ऐसा नहीं कि कोई भी तो सन्यासी बाबा ये स्वाक बनाकर शुरू कर दो, ऐसा नहीं। जो अशास्त्रीय चीजें नहीं फैलनी चाहिए। तो शास्त्रीय देवी देवताओं के जैसे मंत्र है, द्वादश अक्षर का मंत्र है, उनके जप करवाओ सामूहिक रूप से। कोई आप मंदिर में बैठे हो तो द्वादश अक्षर मंत्र लेते हैं, 100 लोग आते ही है कि चलो भाई एक एक माला सब लोग पढ़ेंगे, 100 माला पूरी होगी, तो 10 माला करेंगे, 1000 माला पूरी हो गई, 10 दिन तक पाठ होगा। ऐसे अनुष्ठान उन मंदिरों में होने चाहिए। होता क्या है, मंदिरों में आए, घंटी बजाए, धूप बत्ती दिखाई, फोटो खींच ली पीछे भगवान को पीठ दिखाकर, चल दी। ये मंदिरों का कुछ मतलब नहीं है। ये मंदिरों की जगह वहां पर प्रेत और राक्षसों का वास होने लगा धीरे धीरे, ये हमारी मूर्खताओं के कारण। इसलिए मंदिर जब जा मंदिर इस बात के लिए होने चाहिए, वहां एक निरंतर यज्ञ जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें जप ही करो। नहीं तुम्हारे पास रुपए पैसा है तो जप करने के लिए भगवान के तो बहुत बड़े धन की आवश्यकता है क्या? नहीं। वहां व्यवस्था होने, जैसे हमारे आश्रम में है, हमने आसन ही रख देते, कुश आसन रख देते हैं, माला रख देते हैं, भैया जिसका इच्छा हो अपना आओ बैठो जप करो, सारी व्यवस्था रखते हैं। ऐसे ही जहां मंदिर है वहां पर जप करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तुम बताओ भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े मंदिर है जहां पे जप कोई भी साधक जाए और जप करने की व्यवस्था हो, कहीं नहीं गुरु। एक भी मंदिर बताओ। तो ये सारे लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं। मंदिर केवल बस मूर्ति का दर्शन करने के लिए नहीं होता है, मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा से एक संबंध बनाने के लिए आपको भी शांत बैठना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी, सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर में स्थित होना पड़ेगा। जैसे आप सूक्ष्म शरीर में जाते हो तब तो आपका सूक्ष्म जगत के साथ संबंध बनेगा। तो कम से कम आप वहां पे जाते हो तो एक वहां के व्यवस्थापकों को, पुजारियों को, पुरोहित वर्गों को, धर्माचार्यों को, साधु संतों को ये कार्य करना चाहिए। मैंने देखा कि जो जो श्रेष्ठ संत हुए हैं वो ऐसा ही कार्य करवाते हैं। जो बड़े सीताराम मंत्र का जब करवा देंगे कि चलो भाई सीताराम सीताराम अखंड सीताराम मंत्र चलता रहेगा, एक आदमी आएगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा जाएगा, वो अखंड मंत्र चलता रहता है। तो ऐसे जप होते रहने चाहिए, साधना होते रहने चाहिए, वो अनुष्ठान होने चाहिए। अब तो ये हाल है कि अगर आप कह दो कि पुरोहित जी हम एक अनुष्ठान करना चाहते हैं और रात को हम यहाँ बैठ के जप करना, ना 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 भाई, रात देवता तो भगवान सो गए, तुम नहीं कर सकते हो पूजा पाठ। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, और मंदिरों में जप के अनुष्ठान होने चाहिए, तब वो मंदिरों में आध्यात्मिक ऊर्जा होगी और वहां जाने वाले कोई भी सामान्य व्यक्ति भी चला जाएगा तो उसका भी उद्धार और कल्याण हो जाएगा। गुरु जी, ये संदीप कुमार महतो हैं, ये पूछने के, गुरु जी पितृदोष लगा है और त्रिपिंडी श्राद्ध करा चुके हैं, क्या पुत्र प्राप्ति की कामना करनी चाहिए या नहीं? इनकी दो पुत्री थी, बिल्कुल उनमें से करना चाहिए, एक, पुत्र प्राप्ति हाँ, की कामना लेकिन करो। केवल केवल त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ साथ ये देखो कि त्रिपिंडी श्राद्ध ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। मान जी लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग हुआ, किसी डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक हुआ, तो आप दूसरे वो वहीं पे संतुष्ट थोड़ी होते, प्रयत्न करते हैं ना, दूसरे के पास जाते हैं कि यहाँ वहां जी खोजते हैं। आयुर्वेद से नहीं हुआ तो फिर हम एलोपैथी से करते हैं, एलोपैथी से तो होम्योपैथी से करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करते रहते हैं ना। तो त्रिपिंडी श्राद्ध आजकल थोड़ा सा क्या है कि मैंने देखा अधिकांश विधि विधान के साथ होता नहीं, कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती, कमियां रह जाती है। इसीलिए हम आश्रम में भी जो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं या कोई जो तर्पण आदि कराते हैं, नारायण भी कराते हैं, कुछ अलग तरीके से
जो शास्त्र में है उन्हीं विधि के साथ, परंतु उसमें शुद्धिकरण करते हुए हम ये कर्मकांड करवाते हैं, तो कई लोगों को लाभ मिलता है, प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे साथ साथ त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ साथ आपके कुछ कर्म दोष भी होते हैं, तो जब जिनको भी संतान वगैरह नहीं हो रही हो, तो उनको एकाध कोई मंत्र देकर उसके कम से कम जो बीज मंत्र होते, बीज मंत्र कौन से, जो नव अक्षर से नीचे होते वो बीज मंत्र, और नौ से 100 के बीच में होते उसको मंत्र कहते हैं, और 100 के ऊपर के जो मंत्र जिनके अक्षर और संख्या उसको माला मंत्र कहते हैं। तो बीज मंत्रों का कम से कम 10 लाख जप करना चाहिए जीवन में, और वो भी दीक्षा लेकर, बीज मंत्रों का दीक्षा लेकर करो, 10 लाख कम से कम जप करो, तो कर्म दोष कटेगा। अभी हमारे आश्रम में एक श्रद्धालु आया है, अभी सेवा करता है वो लड़का, अभी है, कभी बेड भी करा दो। उसकी बहन को 7 वर्ष से संतान नहीं हो रही थी, अब वो यहाँ आकर बराबर महाकाल यज्ञ में सहभागी रहा, सेवा कर रहा है। अब वो कल मुझे परसों परसों मुझे मैसेज किया कि गुरु जी आपके, वो बोले कि 7 साल के बाद मैं मामा बन रहा हूँ। अच्छी बात है। एक अभी श्रद्धालु थी, वो अभी आपने कभी उसका भी सुना होगा, वो लाइव में भी कभी आए थे लंदन से, उन्होंने अपना नंबर बताया था कि मैंने अपनी बहन के लिए बजरंग बाण का पाठ किया था। 9 साल से विवाह हुआ, संतान ही नहीं थी, बजरंग बाण का अनुष्ठान किया, फिर आश्रम आकर उन्होंने नारायण त्रिपिंड श्राद्ध वगैरह भी किया, आज उनको संतान हो गई है। तो प्रयत्न करना चाहिए, त्रिपिंड श्राद्ध और जप आदि से ये सारे दोष कर्म कटते हैं और संतान आदि की जो कामना है वो पूर्ण होती है। जी, ये एक शशांक शर्मा ये जी हैं किसी कहते ने हैं गुरु भाई, जी। जी हाँ किसी ने प्रश्न किया, गुरु पुरुष योग में माँ लक्ष्मी अष्टक का पाठ अद्भुत परिणाम, आपको जी बताया था आज गुरु पुरुष, मैंने फिर से 10 घंटे लगाने राशि भेजी है। अच्छा देख रहा हूँ, ये एक अनुभव किसी साधक का है जिन्होंने अपने ये 200 रुपये ये इसको सुपर चैट में भेजे हैं। हर लिखा स्वामी जी, मैंने 25 जनवरी को गुरु पुरुष योग में महालक्ष्मी अष्टक के पाठ का अद्भुत परिणाम आपको बताया था, तो किसी ने अपना अनुभव भेजा होगा मुझे, और जी आज गुरु पुरुष योग में मैंने फिर 11 महालक्ष्मी अष्टक पाठ किए, 10 घंटे लगे, कन्या भोजन के लिए राशि भेजी है। जो भी आश्रम में कुछ कई श्रद्धालु होते हैं, मैंने ये देखा है कि आज इतने आश्रम में सेवा कार्य चलते हैं, अभी मान लो कि हमारे महीने आश्रम का खर्चा ही हमारा 1 से 1.5 लाख तक पहुंच गया, क्योंकि अब लोगों का आना जाना बढ़ गया है, सारी व्यवस्था करना पड़ता है, यज्ञ हवन हमारे यहाँ जो भी होते हैं वो सब शुद्ध हवन सामग्री होती है, और जी बराबर निरंतर अखंड अग्नि बराबर रखना पड़ता है, लकड़ियां बराबर चाहिए, हवन सामग्री बराबर चाहिए, साधक आ रहे जा रहे रह रहे हैं, तो वह खर्चा तो बढ़ गया। लेकिन उसके साथ जी साथ मैंने ये देखा है श्रद्धालु की तरफ से दान सहयोग धीरे धीरे, कुछ लोग 1100 तो कोई 5100 तो कोई 3100 तो भेज रहे हैं, तो ये जो धार्मिक कार्य चल रहा है तो उसमें कभी हमें प्रेशर नहीं आ रहा है, सहज में ही सब चीजें चला। तो आजकल कन्या भोजन के नाम पर ब्रह्म भोज आदि के रूप में भी बेचते हैं, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं लाभ होता रहता है, ये हमने देखा है। तो ये गुरुदेव महालक्ष्मी जी अष्टक आज एक गुरु पुष्य योग था, तो आज महालक्ष्मी अष्टक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कई लोग ऐसे साधक होते हैं तो प्रतीक्षा करते रहते, गुरु जी कहेंगे तब करेंगे, भाई आप लोग भी तो कुछ प्रयत्न किया करो, देख लिया करो, गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, शुभ नक्षत्र आ रहा है, तो चलो अपना जो अष्टक बताया, स्तोत्र बताया, कवच बताया, करते रहो। आगे बताओ। 1 लाख रुपए तो गुरुजी सिर्फ घी का ही खर्चा, अगर डेली 1 किलो घी लगेगा तो किसमें? गाय का घी, जो शुद्ध गाय का घी, हम देसी गाय का घी जो अगर हम लेके आए तो 1 महीने का तो सिर्फ 1 किलो घी का ही खर्चा है 1 लाख रुपए। पैंतीस कैसे? 1 महीने का 1 लाख सौ रहता तीन है। तीन हजार गुरुजी 3,000 रुपये किलो लगभग मिलता है अगर हम अच्छा एक हाँ, जी। अभी जो हमारे यहाँ आता है वो लगभग ही 1800 से 2000 के लगभग भी आता है। अच्छा हाँ, अगर ऑनलाइन कहीं से मंगाएं तो 3,000 तक का हाँ नहीं, दे हम रहे हैं लोग एक स्टॉक किलो में ज्यादा मंगाते हैं, राजस्थान से मंगाते हैं। जी। तो हाँ 1 महीने नहीं तो का आता तो ही है, अगर अभी हमने केवल जी और केवल अभी महाकाल खंड महाकाल लेके किया था 10 दिन तक, लकड़ी का और केवल हवन सामग्री और घी, केवल जी इतना ही खर्चा जो है वो 4 से 5 लाख तक पहुंच गया था। ऐसे ही कई श्रद्धालु जी हैं जो हमारे आश्रम में प्रत्यंगिरा हवन कराना चाहते हैं, पर विद्या भक्षिणी प्रयोग आदि कराना चाहते हैं, तो आश्रम में महाकाल यज्ञ कराना चाहते हैं, तो हम लोग ये करा, चूंकि भगवती बगला मुखी जी का स्थान है तो उनका निरंतर हवन करना पड़ता है,
तो उसमें शुद्ध सामग्री रहती है, हल्दी है, पीली सरसों है, और जैसे कभी विशिष्ट परिस्थिति में हम लोग सूखी लाल मिर्च आदि का है, कुछ अन्य भी चीजें मिक्सर करके हम लोग विशेष हवन करते हैं। तो ऐसे हवन हम करवाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कुछ समय के लिए हमने इसको बंद कर दिया था प्रक्रिया में। तो कई लोग कहते हैं, महाराज जी, स्वामी जी, इतना खर्चा कैसे लगता है? मैंने कहा, भाई तुम स्वयं आके कर लो, एक बार देख लो कि एक दिन में एक माला अगर हवन करना है तो आपको कितना खर्चा लगेगा। तो आज तो ये निश्चित रूप से है कि बहुत ज्यादा ये होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना हम लोग व्यय करते हैं उतना आ जाता है। मुझे मतलब आज जी मैं मेरा किसी समय जब मैं अपना जीवन साधु जीवन जीता था, ये सब चीजें तामझाम नहीं थी उस समय, सब सारे कुछ आवश्यकता नहीं थी, तो मेरा जीवन बहुत सरल सहज, मतलब मुझे 2-3 3 हज़ार रुपये भी महीने का मिल जाए तो वो सहज में आता था, क्योंकि कोई भी आए दर्शन करने तो 100 रुपये दे दिया। ऐसे करते करते लोग आते रहते थे, तो अपना यहाँ नियम है, कोई सब्जी लेके आ गया, आवश्यकता नहीं है, वस्त्र हमारे 2-2 3 3 साल तक तो खराब नहीं होते थे, आश्रम बना हुआ है, कोई बिजली बिजली के साथ कोई समस्या नहीं है, पानी वानी तो सब मिल ही रहा है, तो खर्च कुछ था ही नहीं खास। बस वही मेरा खर्चा था, जा था वो था केवल और केवल पुस्तकों का, मुझे पुस्तक जी पढ़ने का और खरीदने का, और ऐसे भी नहीं कि मैंने पुस्तकें कहीं से मुझे कोई ला कर देगा, मैं स्वयं खरीदता था, घी भली अपने लिए नहीं खरीदा हूँ लेकिन पुस्तकें अवश्य खरीदी। तो इसलिए आज मैं बोल पा रहा हूँ ना इतना, जो धारा प्रवाह बोलता रहता हूँ, तो ये ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, नहीं, गुरु जितना आप एक ही कृपा इंजीनियर से है। डॉक्टर जो ये पुस्तकों का नहीं रखा होगा उतने तो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो खरीदा। तो मैं देखा कि इतना काम होता था। अब अच्छा, इतना पैसा खींचना, 3 हज़ार रुपये अगर मान लो, 5 हज़ार रुपये भी अगर महीने का हुआ तो साल का कितना लगेगा? 60 हज़ार रुपये। जी इतना तो हम भागवत, एक भागवत कथा करते थे, 1,000 लोग आ गए, जो है 100 100 रुपये भी दे दे तो भी 50 रुपये 100 रुपये देंगे, तभी भी हमारे 50 60 हज़ार रुपये एकत्रित हो जाता था। तो जी हमें तो कोई मतलब एक भागवत कथा भी अगर हो जाती तो हमारा खर्चा चल जाता, वे कोई समस्या नहीं थी, तो तब टेंशन नहीं था। आज भी टेंशन नहीं है, आज 1.5 लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये खर्चा जाता कभी महीने महीने का, चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे हमें पहले टेंशन हुआ मुझे कि अरे यार, हम तो संकल्प तो कर दिया हमने कि यज्ञशाला बना दी, अखंड अग्नि चलाएंगे, लकड़ी कहाँ से आएगी? अब बार बार रहता है लकड़ियां, भाई 24 घंटे चाहिए, जी खर्चा भी देना है, लाने का खर्चा, काटने का खर्चा, उनको ये सब चीजें हैं, खरीदना भी पड़ती है, सब खरीद के आती है। तो मैंने ये देखा है कि उसी यज्ञ के प्रभाव के कारण सारी चीजें स्वतः ही आती है। जी जब आप, जो हम लोगों के ऊपर क्लेम किया जाता है कि नहीं, हिंदू समाज या सनातन धर्म के अनुयायी व्यर्थ का घी नष्ट करते हैं, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा बोल के व्यर्थ, उतने में तो किसी गरीब को खिला देते, ये शिवलिंग पर दूध गिरा देते तो उतने दूसरों को दे देते हैं। तो इन मूर्खों को पता नहीं है कि भाई जो आदमी घी अगर यज्ञ में देगा, दे रहा है, तो वो धनवान है या सक्षम है, तभी तो स्वाहा कर रहा है। जी तो वो तो धनवान क्यों है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो परिश्रम तो कर ही रहा है लेकिन साथ में स्वाहा भी कर रहा है, अर्थात वो धर्म और अर्थ दोनों का समायोजन लेके चल रहा है। और तुम्हारे पास नहीं है घी स्वाहा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वाहा कर भी नहीं रहे हो, तुम्हारे धर्म के प्रति रुचि नहीं है। भाई तुम्हारे पास दूध होगा घर में ज्यादा, एक जो इतना दूध शिवजी पे चढ़ाने के लिए सामर्थ्य है, तभी तो चढ़ा रहे हो ना। जी आज मेरे पास सामर्थ्य है कि यहाँ पर 20 25 लोगों को मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, व्यवस्था है भगवती की कृपा से, और यहाँ भैया ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी है, साधना है, तपस्या है, तो ऐश्वर्य भी है, तो कर रहे खर्चा, नहीं होता तो पड़े रहते भाई, गुरु जी, ये हाँ भाई नहीं है तो फूक फाक, नहीं तो चुपचाप। नहीं ये बिल्कुल इस तरह है, जैसे हम किसी फल के बीज की एक बीज बोते हैं ना, तो जैसे हम अगर ईश्वर को दूध चढ़ा रहे हैं या देसी घी से हम दिया जला रहे हैं, तो जस्ट वो बीज बोने जैसा ही है कि जो वो पेड़ उगता है तो इतने सारे फल वो प्रकृति हमको देती है। देती रहती है, वो वापस मिलता है ना, इनको ये पता थोड़ी है, जी इन मूर्खों को यज्ञ के बारे में जी पता नहीं कि अगर हमने 1 चम्मच घी अगर दिया है तो 10 चम्मच घी को रिटर्न हो रहा है हमारे पास। जी 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 ये व्यवस्था है ना, ऐसी प्रकृति का सिस्टम है ना ये। आप ऐसे अमेजोन से कोई गुर्जर चीज खरीदते हो कि भाई चलो हमने पैसा खर्च कर दिया, अगर आपका 100 रुपया कटा तो 100 रुपये का सामान भी तो मिला। संसार जी में ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसकी प्रतिक्रिया ना होती हो।
तो जब तुम मंत्र पढ़ के किसी देवताओं का मंत्र पढ़ के तुम स्वाहा बोल रहे हो तो क्रिया हो गई, तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो होगी जल्दी। प्रतिक्रिया कौन सी होगी? जो शास्त्रों में वर्णित है, अनुभव में आती हो, जो जो विज्ञान विज्ञान सम्मत है, वही प्रतिक्रिया होगी। देखिए सागर भट्ट जी हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है गुरुदेव। ये कह रहे हैं 2023 में ऑनलाइन दीक्षा ली थी आपसे, और तब से लेकर के अब तक हस्तिनापुर में इन्होंने 1008 बजरंग बाण बांट दिए हैं लोगों को। इनका वाह, उद्देश्य है कि हाँ इनका उद्देश्य साधुवाद है है, कि सिर्फ आशीर्वाद है। लोग, हाँ ये कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन इनका उद्देश्य है कि लोग ठीक हो जाएं। देखो ये है साधु लोग, साधु लोग इन्हीं को कहते हैं। इन ऐसे लोगों को ही हम लोग, ये हमारे लोग हृदय में वास करते हैं, हमारा हृदय से आशीर्वाद है। जी एक इसमें भी हैं शशांक शर्मा जी, ये कहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि स्तोत्र की फलश्रुति पढ़ना देखो नितांत आवश्यक है या नहीं। तो फलश्रुति नहीं, तो देखो आपने बताई, हाँ ऐसा है, जी फलश्रुति को जैसे मान लो आप, यदि आप फलश्रुति पढ़ना है तो यदि उस स्तोत्र को आप 10 बार पढ़ रहे हैं जी तो आप 9 पाठ जो है ऐसे ही कर लीजिए, 10वां पाठ करने के उपरांत फलश्रुति पढ़ लीजिए। 100 बार पढ़ जी रहे हैं तो जी सौ जी बार पाठ पूरे हो जाए तो, या 99 पाठ पूरे हो जाए तो जब 100वां पाठ पूरा हो जाए तो उसके बाद फलश्रुति पढ़ लो। फलश्रुति एक बार पढ़ने का हो सकता है कि नहीं, इस राम रक्षा स्तोत्र का जो फल ये है, एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो उसको अलग से बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो किसी एक श्रद्धालु ने कहा कि गुरु जी हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पंडित जी राम नाम जप करने के लिए प्रेरित करते, माला भी देते, तो ये सच में पंडित है, फिर ये सच में पंडित पुरोहित है। केवल घंटी जी बजाकर जी घुमा देना और आरती घुमा देने वाले को पंडित नहीं समझना चाहिए, जो तिलक तुमको लगा देता है। पंडित का कर्म जो गुण कर्म स्वभाव, उसका सात्विक गुण होना चाहिए। सात्विक से सत्वगुण प्रधानस्य ये सब ब्राह्मण से क्षम दमादि कर्मा, ये भगवद गीता में कहा गया है। जी ये शशांक जी ने और ये भी पूछा था कि बजरंग बाण के साथ नील सरस्वती स्तोत्र मतलब पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये कह रहे हैं उसका छल मतलब ये गलत तो नहीं है नील सरस्वती स्तोत्र बजरंग बाण के साथ। क्या कह रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि बजरंग बाण के साथ नील सरस्वती स्तोत्र पढ़ सकते हैं क्या, इसके बारे में मुझे भी नहीं तो नहीं पता बजरंग बाण के ये। साथ मतलब क्या है, उसका अर्थ बताए ना। हाँ बजरंग बाण के साथ मिक्स करके या बजरंग बाण को संपुटित करके, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है ना। बजरंग बाण पढ़ो, ऐसा साथ कुछ में अगर तुम बजरंग बाण पढ़ने के बाद नील सरस्वती स्तोत्र पढ़ते हो तो कोई समस्या नहीं। फिर नील सरस्वती स्तोत्र थोड़ा सा विजात्मक है, पढ़ना आता हो, संस्कृत आता हो तो पढ़ सकते हो, उसमें क्या समस्या है। बजरंग बाण के साथ साथ हमने क्या केवल बजरंग बाण तक समाज को सीमित रखा क्या? आप लोगों को राम रक्षा स्तोत्र नहीं बताया, महाकाल कवच नहीं बताया, अमोघ शिव कवच नहीं बताया, या दुर्गा 32 नाम नहीं बताया? सारी चीजें बताई हमने, अलग अन्य चीजें भी। तो बजरंग बाण के साथ अन्य भी साधना उपासना कर सकते और करनी ही चाहिए। एक ये यशराज मौर्य जी कह रहे हैं कि हर महीने मतलब ब्लड इनको चढ़वान चढ़वाना पड़ता है ना। विद्यार्थी हैं, सेवादार भी हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और 2 बार महामृत्युंजय का महादेव मंदिर में अनुष्ठान करवा चुके हैं, तो अपने तो इनको स्वास्थ्य के कहे कि सेवन लिए सिक्स जीरो 7 2 3 2 3 0 पर अपनी ही। समस्या लिखकर भेजे, जी और जब अभी थोड़ा सा, अभी 10-15 दिन में, ये मार्च तक मैं थोड़ा विश्राम काल में हूँ, उसके उपरांत हम ये जी सारे जो सेवाएं जो आश्रम की बंद हो गई थी वो पुनः आरंभ करवाएंगे, तब फिर आप ये देवी समस्या समाधान में थोड़ा सा एक बार हमसे बातचीत कर लें, देखें क्या समस्या है। जी जी राम नाम जपने के लिए गुरु मंत्र जरूरी है? नहीं, आवश्यक नहीं है। राम नाम जप के लिए ये सब आवश्यकता नहीं है। राम नाम जप करो, नाम जप के लिए भाव को भाव ना कालो सो नाम जप तो मंगल दिशी दसो। एक ये महेश जी हैं कह रहे हैं करियर में मतलब सब कुछ खराब है, करियर ठीक से नहीं चल रहा है इनका। पूछ रहे हैं महाकाल स्तोत्र पढ़े तो कितनी संख्या में, इसका तो आप अनुष्ठान कर लीजिए। करियर के लिए पूछ रहे हैं गुरुदेव ये हाँ कर महेश जी। सकते हैं, 1100 पाठ, 11 उनको अगर मान लीजिए बहुत। देखो ऐसा है ना कि आपकी समस्या किस कैटेगरी में आती है, मैं हमेशा समस्या को 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। जी
तो समस्या किस कैटेगरी की है वो देखना पड़ता है। पहले ये देखते हैं कि सामान्य समस्या है, जीवन में कार्य तो चल रहा है लेकिन बीच बीच में विघ्न आ रहा है, तो सामान्य कैटेगरी। सामान्य। और कोई बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, फिर अगर मान लो ऊपर ऊपर कोई बाधा कुछ खास नहीं दिख रही है, पितर दोष वगैरह, तो वो देखते हैं, तो वो थोड़ा सा विशेष कैटेगरी में। और जो बाधा भी है, ग्रह उसका समय भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, राहु की महादशा है, पितृदोष भी दिखाई दे रहे हैं और एकदम सब कुछ चीज ब्लॉक हो गई है, तो वो फिर बहुत वीआईपी कैटेगरी में चला जाता है। फिर उसके लिए फिर वैसे ही ट्रीटमेंट होते हैं। तो जब संख्या और हवन संख्या फिर उस अनुपात में बढ़ानी पड़ती है हम लोगों को। तो जैसा मान अपने हिसाब से 1100 सामान्य हो तो 1100, थोड़ा अधिक हो तो 10,000 और ऐसे 1,00,000, ऐसा पाठ का संकल्प लेना चाहिए, या 10-10,000 के 10 अनुष्ठान ऐसा संकल्प लेना चाहिए, 1-1 अनुष्ठान 10-10,000 के पूरे करना चाहिए। तो जैसे महाकाल स्तोत्र है, ज्यादा आपको समस्या लग रही है, सीधा 10,000 का संकल्प ले लो, 1,000 जो है 20 दिन का, 40 दिन का ऐसा संकल्प ले लो, प्रतिदिन 300-400 पाठ 500 पाठ तक कोई भी साधक यदि अगर मन से दृढ़ता से साधना करे प्रातःकाल का थोड़ा सा जल्दी उठकर, तो 500 पाठ तक कर सकता है महाकाल स्तोत्र के। इस तरीके से आप 10,000 पाठ करो, फिर देखो परिणाम। और इसके लिए कोई ज्यादा, हाँ बस थोड़ा सा ये है कि कोई अमोघ शिव कवच वगैरह या कोई शिव रक्षा स्तोत्र वगैरह जो दिए हैं या महाकाल कवच है, वो थोड़ा उसको पढ़ लिया करें। आपका आधार मजबूत होना आवश्यकता है, नहीं तो आप 10,000 पाठ पूरा करने के पहले ही आप लोगों का जो उच्चाटन हो जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, आप पूरा कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं अभी आरंभ में बताया मुझे कि आधार जो है साधक का मजबूत होना चाहिए। जीतू अघोर जी हैं, ये पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, क्या आप 32 नाम मतलब माता के 32 नाम का प्रभाव के बारे में बताएं, उसका असर कैसे शुरू होता है, आपको वीडियो रेगुलर देखता हूं, गाइडेंस के लिए आज आपसे जुड़ने का मौका मिला। तो 32 नाम का प्रभाव तो जी उसके फलश्रुति में ही लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो गुरुदेव ने बताया भी है कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो 32 नाम के अनुष्ठान से ना हो सके। वीडियो बना हुआ है जी, बिल्कुल उसके से। और उसमें सिद्ध अग्नि का वर्णन आता है, सिद्ध अग्नि में हवन करने से विशेष लाभ होता है। ये हमने अखंड अग्नि जो होती है, यज्ञ कुंड जो होता है, वो सिद्ध अग्नि होता है, उसमें थोड़ा सा भी आप हवन करो, थोड़ी सी भी आहुति दो, तो उसका प्रभाव तत्काल होता है, वो सिद्ध अग्नि है। अच्छा, एक प्रश्न कहीं आ रहा है बार बार किसी का, एक कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए ऐसा कोई उपाय बताए, एक प्रश्न होता है। पहली बात तो तुम भी तो गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छा ये बताओ कि गवर्नमेंट जॉब वाले की ऐसी क्या विशेषता होती है? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान रहना ना रहना तो अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको गवर्नमेंट जॉब में प्रेशर तो रहता है कि नहीं आपको करना ही करना है। जी जी, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में गुरुदेव ऐसा होता है कि इंसान ना जो कंपटीशन है मार्केट में उससे अलग हो जाता है। अगर किसी ने 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब कर ली तो फिर बाहर कहीं काम नहीं कर सकता प्राइवेट में, इसलिए उनको फिर वहां पे काम करना ही पड़ता है। पहला तो एक सीमित चक्र में घूमता है बस, वो 60 साल के बाद ही बाहर निकलेगा। जी 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 जी, फिर और वो किसी काम का नहीं रहते वो ना, क्योंकि वो एक लेवल तक ही रहता है। बाकी जो प्राइवेट काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन उनके जीवन में आगे बढ़ने का कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। और अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि जैसे आज कई लोगों ने आज स्टार्टअप वगैरह करते हैं, तो दिमाग में ना ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नौकरी वाला जो ये अंग्रेजों ने जो भर दिया था ना, वो ज्यादा उसका प्रभाव है। जब सबके दिमाग में कि नौकरी, सरकारी नौकरी, अच्छा सरकारी नौकरी के पीछे एक मैंने धारणा ये भी देखी कि लोगों को लगता है कि एक गारंटी मिल जाती है कि हमें महीने का पगार ही मिल जाएगा, दूसरा ये है कि आराम मिलेगा, करेंगे नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। प्राइवेट में ये होता है, प्रेशर रहता है और निकालने का डर रहता है। जी, आपकी कृपा से थोड़ा इतना तो अनुभव हमें भी हुआ कि अगर हम आध्यात्म में हैं, आध्यात्म मार्ग में हैं, ईश्वर की साधना आराधना कर रहे हैं, तो हम चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको संतुष्ट रहेंगे आप अपने अंदर ही, अगर आप आध्यात्म में हैं। और अगर आप आध्यात्मिकता में नहीं है, मतलब ईश्वर की आराधना नहीं करते, साधना नहीं करते, तो फिर आप चाहे कहीं रहिए आप असंतुष्ट ही रहेंगे, आपको वो मिलेगा ही नहीं। जो एक हमारी अंतरात्मा शांत रहती है वो, क्योंकि प्राइवेट में भी रहेगी हमारे कुछ अशांत, अशांत से कुत सुखम, अशांत व्यक्ति को फिर सुख कहां, कहीं सुख नहीं है।
तो अब बाकी ईश्वर की आराधना अगर हम सच्चे मन से करते हैं कुछ, तो ईश्वर देखते ही हैं, जो हमने चाहा वो पूरा नहीं तो होता है। आराधना करने, देखो अब तक क्या होता था कि लोग ये सोचते थे कि अरे हम तो भगवान को दो अगरबत्ती चढ़ा देते हैं, भगवान को जी सच्चे मन से प्रार्थना कर देते तो हमारी भक्ति पूरी हो गई। तो जी सच्चे मन से करना है और सच्ची विधि से भी करना है। जी गुरुदेव, जब तक हम छोटे होते हैं, बालक बुद्धि, जैसे अब हम भाई 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बालक है, अगर वो अपने आप मंदिर में सिर्फ धूपबत्ती जला रहा है, तो उसके भाव ऐसे हैं कि ईश्वर उसके ममता, मतलब एक ममता तत्व होता है ना, उससे ईश्वर खुश हो जाते हैं, तो उसकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमें समझदारी आती है, तो वो फिर हमारा लेवल अलग हो जाता है, वो एक अलग फिर हमें तरीके से बैठना पड़ता है, वो करना चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, उनको जिस भी ईश्वर की, जिस भी भगवान की वो आराधना कहते करते किसी हैं, ने कमेंट पे उसे कहा कि कर। गुरुजी दहेज मांगने में मदद मिलती, गुरुजी लोग भी सरकारी दामाद खोजते हैं और बिहार में तो पकड़ोहा विवाह भी होता है, फिर पकड़ जी 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 के गुरुदेव, विवाह कर देते हैं। सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का नाम लेंगे सब अच्छा होगा। बस विधि गुरुजी के जब साथ एक ले, अच्छे मन से भी ले, जी शास्त्रोक्त तो विधि से करे। जी देखो एक एक विषय जो है, हम लोगों ने जो सनातन धर्म के जो अनुयायी है उनके जी जीवन में मैंने देखा है कि अध्यात्म धर्म की बात जब आती है तो बस केवल भगवान पे विश्वास रखना, भगवान के ऊपर आस्था रखना इतना ही पर्याप्त माना जाता है कि नहीं हम तो भगवान में आस्था रखते हैं। ऐसा नहीं, भगवान पे आस्था रखना एक अलग विषय है, और जो हमारे जो शास्त्र में जो विधान दिए गए हैं, जो भगवान ने कहा है वो करना, ये बहुत आवश्यक है। तो जिसमें श्राद्ध तर्पण जो पितृयज्ञ देव यज्ञ जो भगवान ने हमारे लिए एक निर्धारित किया गया है कि शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ आपको इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, जिसमें संध्या आदि है, त्रिकाल संध्या आदि है, ये विधान है। केवल प्रणाम कर देना, नमस्कार कर देना, फिर सोचना कि नहीं मैंने भक्ति की है तो वो फिर बाद में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान भी मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो मर्यादा के अनुसार, धर्म मर्यादा के अनुसार ही हमें आराधना करनी चाहिए। तो बोलो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, ऐसा जो कहा जाता है। इससे अच्छा शब्द ये है कि शास्त्रोक्त पद्धति से भगवान की भक्ति करो। जी गुरुदेव, ये पीनू पटेल जी हैं, इनका थोड़ा सा प्रश्न है कि जैसे 21 दिन या 40 दिन का ये बजरंग बाण के अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं, उसके बीच में रविवार आते हैं, है ना, तो जो हम रविवार ये जो वो करते हैं बजरंग बाण, उसको उसमें गिनना चाहिए, या वो अलग से 108 सुबह हम प्रातः रविवार ये बजरंग बाण पढ़ें और उसके बाद 108 अलग से करें, अपने अनुष्ठान का जो संकल्प लिया हुआ है वो कैसे करें? फिर से बताओ थोड़ा, मैं दूसरे प्रश्न देख रहा था हाँ किसी का। अच्छा, जैसे 21 दिन या 40 दिन का बजरंग बाण का अनुष्ठान चल रहा है ना, पहले से ही उनका 21 दिन का चल रहा है, उस 21 दिन में 2-3 बार रविवार पढ़ते हैं, तो उस रविवार के दिन जो हम रविवारीय बजरंग बाण करते हैं 108 पाठ, वो भी उसमें हम गिनती कर सकते हैं, या 108 अलग से करने पड़ेंगे हमको अपने अनुष्ठान वाला संकल्प के साथ? नहीं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें जो पाठ करते हैं जी वो एक अलग अनुष्ठान है, जी और उसका रविवार को संकल्प। आप पाठ कर रहे हो वो ये भी एक अनुष्ठान ही है, जी, ये अनुष्ठान ही है। तो इसलिए रविवार को जो आप 108 करते वो भी करना है, और जो अनुष्ठान में करते वो भी करना है, ये राइट, दोनों ठीक अनुष्ठान आपके चलते हैं। तो मैं क्या है कि जैसे जी एक प्रकार के होता ना, एक प्रकार से आपको प्रत्येक रविवार 108 108 पाठ करा के आपको बजरंग बाण के रूप में बजरंग बाण सिद्ध साधक बना दे रहा हूं। और मेरा अपना एक अनुभव मैं आपसे भविष्य में के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी श्रद्धालु जो बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़कर 108 पाठ यदि किन्हीं कोई कर देता है, और कम से कम 12 रविवार जो जिसने किया, तो समझ लेना कि फिर आपको श्री हनुमान जी कहीं से भी कोई कुछ होने देने, खरोच तक नहीं आने देंगे फिर, ये समझ लेना। जी सिक्योर, पूरा सिक्योर हो गया। एक बात, दूसरी बात, जो आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी हो जाएगी। तीसरा, आपके जीवन में परिवर्तन, एक श्रेष्ठ परिवर्तन आएगा। आपको एक अलग लगेगा कि मैं समाज में एक अलग विशिष्ट व्यक्ति बन चुका हूँ। केवल 12 रविवार तक ये चीजें पूछे, तो आपको अलग करना है, ये पाठ का ध्यान रखना है, और वो भी अनुष्ठान करना है पूर्ण, और ये भी अनुष्ठान पूर्ण करना है। तो दोनों का पाठ करना आवश्यक है। तो जो भी श्रद्धालु जो शॉर्ट्स की वीडियो बनाने का जो सेवा करते हैं, शॉर्ट्स बनाने के, उसमें ये प्रश्न और ये उत्तर वो वीडियो के रूप में लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
किसी ने गुरुदेव आपसे कैसे मिले, तो मिलने के लिए भाई नंबर दिया है, आप उसमें अपना एक मैसेज भेज दें कि हम गुरुजी से भेंट करना चाहते, तो फिर उसके बाद जो भी प्रश्न आपको करेंगे उसका उत्तर दीजिए, और लगेगा कि नहीं आपको आश्रम में आने की अनुमति मिलेगी, तो क्योंकि मैं स्वयं एक साधक अवस्था में हूँ, मैं और साधक अवस्था मेरी पूरी जीवन भर ही रहेगी, क्योंकि मुझे साधना में आनंद आता है, मैं समाज का हित चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबको मैं समय देता हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरा अपना भी एक निजी जीवन है, तो थोड़ा समय में एकांत में देता हूँ, कभी साधना में भी रहता हूँ, उन सब सारों को सबको निभाते हुए मैं आपके लिए भी मैं समय दूंगा, तो आप आइए, ऐसा कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि जो नियम बने हुए आश्रम के, उस नियमानुसार अनुमति लेकर आप आइए। ये नीतू जी पूछ रही है कि नाम जप अनुष्ठान जब हम करते हैं तो पूरा होने के बाद 10वां हिस्सा हवन भी, मतलब नाम जप के अनुष्ठान में हवन करना नहीं, पड़ता है? नहीं, नाम जप के लिए कोई हवन की आवश्यकता, बहुत से लोग हनुमान चालीसा बजरंग बाण का भी हवन पूछते हैं, तो नाम जप के लिए, बजरंग बाण के लिए, हनुमान चालीसा के लिए हवन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मंत्र नहीं है और मंत्र न होने के कारण उनका हवन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हवन है वो मंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। इसका भी एक शॉर्ट बन जाए। शिव शंकर जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष और पितृ दोष निवारण हेतु कौन सी साधना करें? मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो महाकाल साधना कीजिए, आप महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान कीजिए, काल भैरव अष्टक है वो भी कर सकते हैं। सही है। एक कह रहे मेरे पिताजी की आयु 57 वर्ष हो गई है, हमारा घर नहीं बना है अभी तक, कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा, घर नहीं बना है, पितृ दोष का लक्षण हो सकता है इन केस में, क्योंकि ज्यादातर घर न होना, विवाह न होना, ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, वो बाद में आता है, पहले पितृ दोष रहता है। पितृ दोष जो होता है, मतलब पितृ दोष का अर्थ ये, वो एक प्रकार के प्रेत दोष ही होता है, क्योंकि प्रेत होने में होते, तो वो घरों में बैठना शुरू करते, फिर ये सब चीजें, नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में घटना लगती। अब ये ठीक है, एक अच्छा, ये बार बार प्रश्न किया है गुरु जी, कैसे मिले कैसे, तुमका उत्तर दे दिया गया। शिवरात्रि जागरण कैसे किया जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी किसी ने लिख दिया, मेरे गुरुजी मेरे घर में 2018 से कोई ना कोई बीमार रहते हैं, माँ को लकवा हो गया है, अभी नवंबर में मेरी वाइफ 2018 से बीमार है, कहीं भी दर्द रहता है, घोर पितृ दोष के लक्षण है, साथ में तंत्र दोष भी है उनके साथ। जी, ओकर उन्होंने लिखा भी सर कि बालाजी की हनुमान चालीसा करते हैं, अब बालाजी की हनुमान चालीसा कौन सी है वो पता नहीं, वो वही है, वही सब अधर्म, इसी को सनातन धर्म में पाखंड धर्म कहा गया, जिसका खंडन करने की जरूरत है, ऐसे जो मार्ग है उसको पाखंड मार्ग कहते हैं, ये सब खंडन करो, इनका खंडन मंडन करना इन लोगों का, जो शास्त्र में नहीं लिखा है वो सब मत करो, संत महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। हम संत तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा बजरंग बाण को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि उनका जीवन कलयुग में ऋषि के समान रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रामचरित मानस के रूप में रचना की है, एक ऋषि का ही कार्य है, हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और इसीलिए उसमें भगवान शिव जी ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में उसको एक देवीय आशीर्वाद और प्रामाणिकता दी थी, सत्यम शुभम सुंदरम लिखकर, क्योंकि कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि अरे ये तो लिखने की आवश्यकता क्या है, वो तो शास्त्र के जो है अनुरूप नहीं है, परंतु जो सहज और सरल जो मार्ग के जो वर्तमान समय में जिनको संस्कृत आदि नहीं, उनके लिए वो ईश्वर का एक वरदान थे, वो एक ऋषि ही थे, कहते हैं वाल्मीकि तुलसीदास जी को वाल्मीकि ऋषि का अवतार ही माना जाता है, एक ऋषि जब अवतार लेकर पृथ्वी पर आता है तो वो धर्म की संस्थापना के लिए ही ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक अंश होता है, इसीलिए उनके द्वारा जो भी बोला जाता है, कहा जाता है, उसके पीछे देवी शक्ति, देवी सामर्थ्य होता है और वो प्रभावशाली होता है। एक ये आर्य प्रवीण दुबे जी हैं, ये पूछ रहे कि मुझे विवाह के 9 वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं है, IVF भी करवाया था, वह भी सफल नहीं हुआ, अभी गंभीर आर्थिक समस्या जुड़ा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए।
दिन पितृदोष पहले ही। तो बजरंग बाण का अनुष्ठान करिए और ये अमावस्या जी को पितरों के निमित्त तो कुछ भोजन वगैरह निकालना आरंभ करें जी और बजरंग बाण आरंभ करें और एक बार आश्रम में संपर्क करें, जो भी समस्या होगी देख लेंगे। और जो भी श्रद्धालु इसमें हैं, मैं कुछ श्रद्धालुओं को इसमें मॉडरेटर के रूप में जोड़ना चाहता हूँ, एड एज मॉडरेटर मैनेजिंग कई लोगों को इसमें मॉडरेटर के रूप में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जी तो गुरुदेव, जो एक भी ये आश्रम में सेवा देना कैंसर चाहे वो अपना इसमें उसका ये होगा कि वे दूसरों को उत्तर देने के लिए एक प्रकार से अधिकृत होंगे। एक गुरुदेव, ये ना कैंसर से संबंधित प्रश्न किसी ने किया है। अब ये मैं भी थोड़ा सा इससे ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम तो वैसे हैं, क्योंकि चिकित्सालय में काम करते हैं, तो कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है। इन्होंने ये ईगल स्पिनर कोई ऐसी नाम लिखा कि एक घर में दो लोगों, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही कैंसर हो गया है, फोर्थ स्टेज है, उन पर कोई तंत्र हुआ है, मार्गदर्शन कीजिए। अब ये तो तंत्र की बात करें, लेकिन वैसे भी अभी ये एक जो एक कैंसर होगा। मैं हाँ अभी एक मैं वीडियो किसी ने अनुभव मुझे अपना लिख कर भेजा है, सेकंड स्टेज का उसका कैंसर बजरंग बाण से ठीक हुआ है। मैं अभी उसके साथ उनमें से जूम मीटिंग पर अपना अनुभव बताना चाहता है, लेकिन अभी मैं उससे समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो मैं अनुभव उससे लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ ये बजरंग बाण का भी अनुष्ठान और महाकाल या महामृत्युंजय स्तोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और पितृदोष का भी निवारण करें। जी, सभी जो भी श्रोतागण जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, नहीं ताकि और भी लोग जो हैं, तीन और सौ भी जो लोग चार हैं वो भी लोग हैं लाभान्वित। इसमें लाइव में और 76 जी लाइक जी सी रहते हैं, जी तो जी ऐसा जी लाइक से करते हैं, लेकर लोगों में ये रहता है, वो तो को पता भी नहीं होता कैसे लाइक्स वगैरह क्या करो भाई। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, सुनने से आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा यूट्यूब वाले को भी बता दो कि नहीं, हाँ, हमें अच्छा लग रहा है। जी, और समाज कल्याण की चीज है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। हम हंसी मजाक के जोक्स तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन ये जो समाज का जिससे कल्याण होगा उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो हमारा मेरा अनुरोध है कि आप लोग इनसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, है ना, और सभी अपनी तकलीफों से छुटकारा पा इसमें सके। लिखा है कि गुरुजी प्रणाम, राजस्थान में सालासर हनुमान जी के मंदिर के बाहर बड़ा बालाजी मंदिर का बोर्ड लगा होगा, इसके बारे में ऐसो को शांत करें। ये सब चीजें जो हो रही है ना, अब ये धर्माचार्य को बोलना चाहिए। मैं कितना बोलूं, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, जी, मैं कई राक्षसों को पूज रहे, उनकी भी सब चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो साहस हम एक साधारण साधु दिखा सकते हैं, तो हमारे जो बैठे हुए जिनके पास समाज का बल है, धर्माचार्य हैं, वो क्यों नहीं इस विषय में बोलते हैं? उनको भी प्रश्न करो, बार बार टैग करो, समझाओ आप उनके भी कहे, क्योंकि उनको जब तक आप जगाएंगे नहीं ना, तब तक वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो पितामह भीष्म की तरह। उनको भी प्रश्न करो आप कि नहीं, आप ये बताइए ये सब क्यों। बाकी ये सब चीजें ठीक नहीं है जो भी समाज में है। ये कहना गुरुदेव, करण जी पूछते हैं कि देवी दिग्बंधन से देवी कवच और काली कवच को संपुट कर सकते हैं। कर सकते हैं, परंतु पहले अच्छे से अगर अच्छा अपने साधना की स्थिति है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ज्योति रानी जी हैं, कह रही मैंने 1100 पाठ 21 दिन में काल भैरव अष्टक के किए हैं, लेकिन मेरी नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही, तो क्या करें? काल भैरव अष्टक के 1100 पाठ 21 दिन में कर चुकी हैं ये। 1100 पाठ कर चुकी है, तो उसको पहले जी एक पितृदोष उसका निवारण करने का प्रयत्न करे, और जो तर्पण आदि भी करे कर सकती है तो वो भी देखे, और जो अमावस्या का प्रयोग हो तो वो भी करे। दूसरी बात, जो पाठ करने के बाद आप संकल्प अवश्य किया करें,
संकल्प अवश्य किया करे, जैसे कि या प्रार्थना किया करे भगवान जी से, जो जिसका भी आप पाठ करते हैं तो वो संकल्प क्या करे, प्रार्थना क्या करे अंतिम दिन, और उनको थोड़ा सा भोजन भी जो भगवान को बालक भोजन आदि जो भी अंतिम दिन जो होता है वो भी करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। और एक अनुष्ठान के बाद कम से कम, फिर नहीं लाभ हो रहा है तो दूसरा अनुष्ठान, तीसरा अनुष्ठान, कम से कम 4 अनुष्ठान आप करो किसी भी विषय में, और तभी ये बात मतलब तय हो सकती है कि हाँ उस अनुष्ठान का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तब होगा जब आप कम से कम 4 अनुष्ठान करो, उसके बाद भी फल ना हो तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये अनुष्ठान का मतलब जो परिणाम जैसा आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा है, तो 4 अनुष्ठान करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज है कि जो भी इसमें श्रद्धालु हैं और आश्रम की जो सेवा में हैं वो एक बार अपना नारायण नारायण लेकर कमेंट कर दे ताकि हम उनको मॉडरेटर के रूप में ऐड करते जाए। किसी ने कहा है कि मेरी पत्रिका में गौर त्रिता योग गुरु जी धन भाव का स्वामी अस्त है और नीच भी है, तंत्र पदा से भी ग्रसित हूं कृपया, तो भगवान शिव जी की आराधना करो, भगवान काल भैरव जी का उस अष्ट का अनुष्ठान करो, साथ में कुबेर जी का मंत्र का अनुष्ठान करो और पितृदोष का शमन करे, ये 3 कार्य करे परिवर्तन आ जाएगा। ये संजय मिश्रा जी हैं गुरुदेव, ये पूछ रहे हैं कि हमारे इनके कुल में, संजय मिश्रा जी के कुल में ब्रह्म पूजित है और सवारी रूप में भी आते हैं, इनकी आगे गति कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन। भी सवारियां आती है ना जो खेलती है, ये सब प्रेत ही होते हैं, इतना शरीर में आना और गोल गोल खेलना और ये मैं ये हूँ तो फलाना हूँ, ये सब सवारियां होती है, ये सब चीजें हैं। तो अब जैसे देखो ब्रह्म कहते हैं, मतलब ब्रह्म भी ऐसा लगता है जैसे न जाने कोई देवता है, ब्रह्म मतलब परब्रह्म ऐसा हो जाता है। ये होते हैं ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, ये थोड़े से बहुत ऊर्जावान होते हैं और इनको थोड़ा आवेश और आक्रोश ज्यादा होता है, जो इनकी सदगति के लिए आपको शिव महापुराण का पठन करना चाहिए। शिव महापुराण से ऐसे ब्रह्म राक्षस आदि की सदगति होती है। यदि जो ऐसे लोग न माने तो इनके लिए फिर आश्रम के माध्यम से या फिर आप स्वयं माँ भगवती पीताम्बरा जी का जो सतनाम आदि का स्तोत्र अनुष्ठान करें या आश्रम के माध्यम से यज्ञ आदि हवन आदि कराए। आने वाले समय में अभी हम लोग एक सूचना आपको दे रहे हैं, 5, 6 और 7 ये 3 दिन छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हम अखंड महाकाल यज्ञ का करवाने जा रहे हैं। पहली बार हम बाहर जाकर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम वैसे हमारे पितृ द्वार में एक बार पितृ शांति के करवाया था, अब ये कार्यक्रम जो है ये छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है अखंड महाकाल यज्ञ, जो कि हम बाहर जाकर कभी ये सब करवाते नहीं थे, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जगह जगह पर ये यज्ञ होना बहुत आवश्यक है। एक एक राज्य में हम यज्ञ इस तरह से संकल्प कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये सारे विशेष घोर बाधा हैं, ताकि भगवान महाकाल की शक्ति का जागरण हो। हनुमत शक्ति के साथ साथ अब महाकाल शक्ति का जागरण करना, ये हमारा अब दूसरा अभियान आरंभ हो रहा है। तो उसमें भी जो लोग आना चाहे, सम्मिलित होना चाहे, भाग लेना चाहे, तो वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब बजरंग बाण के बाद महाकाल अभियान, बजरंग बाण अभियान के साथ साथ अब महाकाल शक्ति जागरण ये आरंभ होने जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़। ये नंदिनी शर्मा का क्या प्रश्न है, गुरुजी बार बार भगवान के सपने आते हैं और फ्यूचर के सपने दिखते हैं, और जिस भी भगवान की पूजा करो तो वो सपने में दिखते हैं, जोत में फूल बनते हैं, जाप में उबासी आती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पितृगण जो है उसे आप पितृदोष से प्रभावित है, पितृदोष से प्रभावित है, और आप कोई अच्छी मतलब पितृगण हैं आपके जो पहले थोड़े रहे हैं, वो अनुभूति आपको करा रहे देव अनुभूतियां, परंतु वो सदगति को प्राप्त नहीं है, तो उनकी सदगति के लिए कुछ प्रयत्न करें। पितरों में भी जो अच्छे शुभ और सिद्ध पितृगण होते हैं तो वो हमें देव मार्ग की तरफ अग्रसर करते, दिव्य अनुभूतियां भी करा सकते हैं।
परंतु ये उबासी आना, जमा जाना, आलस होना, सिर भारी हो जाना, ये सब सारे जो समस्याएं हैं, ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। बिल्कुल जी। एक ही गुरुदेव करण शर्मा जी लिख रहे हैं कि मेरी दादी को मतलब उनकी मृत्यु हुए 1 वर्ष नहीं हुआ है, क्या मैं उनका तर्पण कर सकता हूँ? जैसे होता है ना कि अरे वो वार्षिक जिस करते हैं दिन कर, शरीर हाँ छोड़ते हो उसके दूसरे दिन से तर्पण कर सकते हो। जी। तर्पण के पीछे मत कंजूसी क्या करो। हाँ ज्यादातर मान्यता ऐसे रखते हैं कि वार्षिक हो जाए उसके अरे बाद करते हैं। मान्यताओं पे इसीलिए मैं कहता हूँ, ये हिंदू आचार संहिता जो बन रही है ना, वो जी सनातन आचार संहिता, इसको मैं कहना चाहिए सनातन धर्म आचार संहिता, ऐसा उसका नाम होना चाहिए। तो उसमें ये प्रश्न आने चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, केवल ऐसा लिख देने से नहीं काम चलेगा, इस पर शास्त्रार्थ हो, चर्चा हो, 10 लोग पक्ष विपक्ष रखे, सबको अवसर हो कि नहीं अपना विषय रखने का, वो उनको साहस प्राप्त हो और उनको एक अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी गुरु जी, शुभी हैं इन्होंने अभी जो जिस महाकाल यज्ञ में नारियल भेजने के लिए हमने बोला गया था, अब इन्होंने नारियल उतार के तो रख लिए अपने ऊपर से, परंतु डाक विभाग ने इनका भेजे नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नारियल रखे हुए हैं तो क्या नहीं, किया मेरे जाए? यहाँ तो बहुत से लोगों ने डाक विभाग से नारियल भेजे हैं, बहुत से अब लोगों का आया इनका, है। आप प्राइवेट से भेजो, हाँ आप बक्से में अच्छे से पैक कर लो, जी और नारियल भेजने में डाक विभाग कैसे मना कर सकता है। अब ये इनका कुछ प्रश्न है, कह रहे हैं कि शायद उन्होंने हाँ मना भाई, कर वो तो दिया। उसको तो डाक विभाग वालों पर तो मतलब क्लेम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे डाक विभाग से आया है, वो बक्से में जो अच्छा से उसके पैकिंग अच्छी करो आप, और वो कहो कि इसमें नारियल है, तो नारियल भेजने में कैसे डाक विभाग मना कर सकते हैं। अभी तुम थके तो नहीं नहीं कोई दूसरे हो बैकअप में तो देख लो भाई, कोई आना चाहे तो। सवा घंटा हो गया, मैं देखता हूँ, तुम अभी विश्राम करो, मैं अच्छा किसी अच्छा दूसरे को गुरुदेव, अनुमति देता हूँ, कोई अन्य श्रद्धालु जो सेवा में जो है हो वो भी आ जावे, इनको थोड़ा रिमूव करता हूँ और नए सदस्य जुड़े। नारायण नारायण गुरुदेव। नहीं। तो ये सारे प्रश्न अभी आ रहे हैं। ब्रज रक्षा दल का मैं सबसे पहले भगवती यमुना माता के लिए कोई अभियान आरंभ किया जाए कि भगवती यमुना जी का जो है उद्धार हो, उसके लिए कुछ प्रयत्न करें। कहते हैं शिव जी की उपासना करने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे काम बिगड़ते हैं और बुद्धि भ्रम होता है, क्या करूं। वो पितृ दोष का लक्षण है, घर में किसी के अकाल मृत्यु को, उनके लिए नारायण वृत त्रिपिंड निषाद आदि का जो हम बताते हैं प्रयोग आप करें। बच्चों की बुद्धि पढ़ाई के लिए आशीर्वाद, उनको हनुमान चालीसा का पठन पाठन करवाएं। गृह क्लेश है, ये सब कुछ करने के उपरांत भी जो है गृह क्लेश बनता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रीति योनि में है, जो अकाल मृत्यु के प्राप्त हैं और वो घर से मोक्ष नहीं होने देना चाहता है, घर से जाना नहीं चाहता मोहवश, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 1-2 अनुष्ठान कराए। बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली करियर में, कोर सुनाओ सब कुछ खराब हो गया, महाकाल स्तोत्र पढ़े एक बार, महाकाल स्तोत्र के 4 अनुष्ठान आप करके देखे, कम से कम 100 पाठ 21 दिन तक, ऐसे 4 अनुष्ठान कम से कम करें, जब ऐसी घोर परिस्थिति बने तब आपको कोई नहीं, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो है मार्गदर्शन हमें करे, क्या है मेरे जीवन का दोष, क्या है समस्या, क्या है। उस काल में यदि कोई आपको ऐसा दिखता है कि आपके साथ कोई आपके पूर्वज आदि दिखाई देते हैं, मृतक जो हो चुके हैं, तो उनके सदगति के लिए प्रयत्न करें। जो नए सदस्य कोई जोड़ना चाहे इसमें,
जो असम सेवा में है, लाइव में जुड़ सकते हैं। समूह में एक मैसेज कर दे कि कोई भी नया सदस्य जो भी इसमें लाइव में जुड़े साथ में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। किसी ने कहा कि मैं गुरुजी शूद्र हूं, क्या मुझे सिद्धि मिल सकती है, आपसे दीक्षा प्राप्त कर सकता हूं? शूद्र की जो व्याख्या है, मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये केवल जन्म के आधार पर ही हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, गुण और कर्म विभाग से, यदि आपके अंदर सत्वगुण की प्रधानता है तो आप जो है अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। रजोगुण भी यदि है और सत्व भी है तभी भी आप अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, और आपका आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, तब आपको ये सब चीजें अगर आपके जीवन में है तो दीक्षा दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आप किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, वर्णों को कौन किस वर्ण का है, इसका निर्धारण गुण कर्म के आधार पर होता है। उस आधार पर हम इसको महत्व नहीं देते हैं। आपके कर्म शुभ होने चाहिए, आपका आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए, आपका ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए दीक्षा दी जाती है जो अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं। परंतु मान लीजिए कि जो लोग आहार विहार शुद्ध नहीं रखते, आचार विचार शुद्ध नहीं रखते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तामसिक आहार करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर सिद्धि प्राप्त भी हो गई तो वो रास अपना समाज और दूसरे समाज अहित ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को दीक्षा देते समय जिनका आहार विहार शुद्ध नहीं, आचार विचार शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों को शास्त्र में मना किया गया है। वास्तविक जो शूद्र कहा गया है, जिनमें तमस की अधिकता होती है, ये इस विषय पर कभी चर्चा करेंगे, एक विषय आएगा कभी प्रणाम गुरुदेव। नारायण के, कभी ऐसा प्रश्न आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारे देश का सनातन धर्म का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, और इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में चारों वर्णों का जो निर्धारण होता है उसका आधार क्या है, जन्म है, गुण है, कर्म है, क्या है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारे देश के 50 से 60%, 70% ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग से जुड़े हुए हैं जिनके मन में ये प्रश्न है, वास्तविकता क्या, शास्त्र क्या कहता है, व्यक्ति क्या कहता है, कौन पदाधिकारी क्या कहते हैं, सन शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र के आधार पे कोई बात रखता हो तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो सनातन धर्म के जो मूल स्वरूप को कभी भी हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। जन्म के आधार पे होता है तो अच्छी बात है, यदि ऐसा कोई शास्त्र में विधान मिलता है तो कोई समस्या ही नहीं है, सब अपना अपना वर्ण के अनुसार आचरण करने लग जाएंगे। परंतु यदि वो गुण कर्म के आधार पर है तो उसका उसका क्या लक्षण है, कैसे हम मानने कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है, कोई क्षत्रिय वर्ण का है, कोई वैश्य का है, शूद्र के अंतर्गत आता है, तो कैसे पता करें? तो इसके लिए शास्त्रार्थ होना चाहिए, शास्त्र चर्चा होनी चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो एक सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों को एक दिशा मिलेगी, जीवन दिशा मिलेगी। अन्यथा ये जो परस्पर द्वेष है, जो अशास्त्रीय जो धारणाएं हैं, उसी में हम लोग उलझते हुए हमारा जीवन ऐसे ही दयनीय बना रहेगा। तो मैं इस विषय पर, मेरा तो अपना एक धर्म, मैं चूंकि शास्त्र का अध्ययन किया है, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता अध्ययन किया है, तो मुझे ये समझ में आया। और शंकराचार्य जी ने भी शंकर भाष्य, जब गीता पर, जब भगवत गीता पर जब उन्होंने भाष्य लिखा, उसमें भी उन्होंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी आधार पर चारों वर्णों का विभाजन बताया है। वो सारा विषय है, मैं अभी रखूंगा आने वाले समय में, और इस पर चर्चा करना चाहिए। इसलिए ये कह देना कि मैं शूद्र हूं, तो शूद्र जो होता है आपके आहार विहार और आचरण पर निर्भर है। आप मांस खा रहे हैं, तामसिक जीवन जी रहे हैं, अशुद्ध जीवन जी रहे हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर आप शूद्र का ही जीवन जी रहे। फिर ऐसे लोगों के लिए साधना का मार्ग नहीं है। साधना के मार्ग के लिए सबसे पहला ये है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु,
युक्त स्वप्ना में बुद्ध से योगो भवति दुख। जब तक आपका आहार विहार युक्त नहीं है आप साधना के मार्ग पर प्रथम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पहला छांदोग्य उपनिषद में आहार शुद्धि सतो शुद्धि माना गया। तो आहार शुद्धि पर सर्वप्रथम जो है ध्यान दिया गया। तो ये सारा विषय है, माना कि हो सकता है इस विषय में मैं जो बात रख रहा हूँ वो भी संपूर्ण रूप से सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है, परंतु एक विचार मैंने रखा, अध्ययन जो मैंने किया है उस आधार पर अपना विषय रख रहा हूँ। तो भविष्य में आने वाले समय में इस पर सभी विद्वानों को, धर्माचार्यों को इस विषय पर शास्त्रीय आधार पर चर्चा करनी चाहिए, विवाद नहीं। कई लोग तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं। अभी एक हमारे मठ के आचार्य हैं, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ के आचार्य हैं, उनसे किसी ने यही प्रश्न किया तो उन्होंने फिर इधर उधर गोल गोल घुमाने लग गए। ऐसा मत करिए, आप विद्वान हैं, आचार्य हैं, एक मठ के श्रेष्ठ आचार्य हैं, आप उदाहरण दीजिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं इस विषय पर, इस विषय पर भगवद गीता क्या कहती है, महाभारत क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, वेद में कहाँ कुछ लिखा हुआ है, और फिर उसके अनुसार आप वो प्रमाण देकर तब बोलिए। क्योंकि किसी भी धर्माचार्य को शास्त्र को ही प्रमाण मानकर अपना विषय रखना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे मेरे शास्त्र का अध्ययन है, शास्त्र का प्रमाण है, तब वो मैं बात रखता हूँ। और यदि मैं कोई ऐसी बात रखता भी हूँ जो शास्त्रीय प्रमाण नहीं है तो आप उसको मत मानिए, हम स्पष्ट कहते हैं उसको स्वीकार मत करिए। जो सत्य है, जो शास्त्रोक्त तो है, उसी को स्वीकार करें। केवल स्वामी रूपेश शरणन कह रहे हैं इसलिए नहीं आपको मानना है। यदि मैं शास्त्रों को आधारभूत सत्य रख रहा हूं तो आप उसको स्वीकार करो, नहीं तो सीधा अस्वीकार करो। और ये केवल मेरे साथ ही लागू न हो, कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ उससे ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि पद पर बैठने के लिए जो योग्यता का जो पहले आधार और पैमाना हुआ करता था अब वो नहीं रहा। अब वो आ गया कि बस बाप मरे और बेटा बैठे, लायक हो चाहे नालायक हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो कुपरंपरा आरंभ हुई है उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि सनातन धर्म की ग्लानि हुई है, हानि हुई है। और जिसका दुष्परिणाम ये है कि आज हम लोग इतने सारे सनातन धर्म के अनुयायी होते हुए भी एक तिलक लगाने के लिए भी हमको संकोच होता है, सोचना पड़ता है। आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आप उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने सक्षम हैं, यह महत्वपूर्ण है। कितने संगठित हैं, यह महत्वपूर्ण है। और यदि इस विषय पर अभी आज अगर आपने चिंतन नहीं किया तो आपके पास रोने और पछताने के अतिरिक्त और चीखने और चिल्लाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। और उस समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, न ईश्वर, न धर्म, न शासन, न प्रशासन। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आपने धर्म की रक्षा की ही नहीं तो धर्म आपकी रक्षा क्यों करे। यदि आप धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म रक्षा करेंगे धर्म आपके साथ खड़ा होगा। यदि आपने आज जो ईश्वर की भक्ति की आराधना उपासना की, देवता की आराधना उपासना की, तो देवता उस समय आपकी रक्षा करेंगे। और केवल आराधना उपासना तक ही हमारे साथ ये विषय नहीं है, आपके जो नैतिक दायित्व है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, भगवान ही हमारी सहायता करेंगे और हमें तो कुछ नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा पांडवों, और पांडवों को जो वनवास हुआ तो वो के अर्जुन और पांडवों को चुपचाप बैठने नहीं दिया कि नहीं जाओ भाई अपना शस्त्र अस्त्र एकत्रित करो। और संगठित भी रहे वो ना, यदि वो 11 अक्षौणी थे तो वो तो 7 अक्षौणी तो थे। धर्म के पक्ष में इतने भी भले कम संख्या हो, लेकिन यदि आपके साथ धर्म है तो आपके साथ ईश्वर भी है। और ईश्वर है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयारभूति ध्रुवा नीति मतिर मम। ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, जहाँ कृष्ण है वही विजय भी है, वही सफलता है, वही कीर्ति है, वही यश है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले परिस्थिति को समझते हुए आज हम सभी धर्माचार्य को, विद्वानों को, पुरोहित वर्ग को, मनीषियों को,
इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और सबको संगठित भी करना है और सक्षम भी बनाना है, संवैधानिक रूप से, शास्त्रोक्त रूप से हमें सक्षम बनना पड़ेगा। इसलिए जब भी बात कोई विषय आता है तो शास्त्र के प्रमाण के साथ ही बोलिए, बहुत आवश्यक है, और तभी ये राष्ट्र रहेगा, ये धर्म रहेगा, आप रहेंगे, आपकी पीढ़ी जीवित रहेगी। नहीं तो भारत भूमि ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने बहुत कुछ इतिहास में देखा है, उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आज इसी समय, इसी वर्तमान समय में हमें अपने भविष्य की नींव रखनी पड़ेगी और उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। केवल कल्पना करने से और समस्याओं के बारे में चर्चा करने से ही समाधान प्राप्त नहीं होने वाला है, समाधान के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई यदि शूद्र अपने को न कहे, न कोई किसी को अपने आप को ब्राह्मण का अहंकार रखे, इसके द्वारा पहले शास्त्र से प्रमाणित करें। ये सब सारे विषय अभी फिलहाल आने नहीं, पहले तो ये आने भी नहीं चाहिए, आते भी हैं तो शास्त्र के आधार पर प्रमाणित कर दीजिए, जैसा कि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है। कोई भी यदि शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित मठों पर आचार्य पर बैठा हुआ है, जो भी आचार्य हैं बैठे हुए हैं, तो उनको जो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, तो विवेचना की है उन्होंने, जो टीका लिखी है वो उस पे उसी आधार पर बोलना चाहिए, जो शंकराचार्य जी ने जो आपको ज्ञान, जो मत, जो संप्रदाय, जो नियमावली दी है, उसके अनुसार आप समाज को दिशा देने का प्रयत्न करें। और मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हम लोगों के पास समय अधिक नहीं है, यदि हमने अपने धर्म को नहीं समझा, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं किया और अभी भी हम अधर्म के दुराग्रह पर, मार्ग पर बने रहे, तो महाकाल जागृत हो चुके हैं, मैं संकेत कर दे रहा हूं। और जो सत्य के मार्ग पर होगा, जो धर्म के मार्ग पर होगा, उसका रक्षण अवश्य होगा, जो अधर्म के मार्ग पर होगा, जो ये प्रेतत्व के मार्ग पर होगा, वो सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं आने वाले समय में। ये हमें अनुभूति हो रही है, हमें संकेत मिल रहा है, और ये बात केवल मुझे ही अनुभूति हो रही है ऐसी नहीं है, आप भी स्वयं समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा है। करना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा हो तो सीधा कुछ नहीं समझ में आए तो श्री बजरंग बाण अभियान से जुड़िए, आपको जो बल और बुद्धि चाहिए वो धीरे धीरे प्राप्त होगी। ये अभियान, ये बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी दैवीय सुरक्षा की आवश्यकता है। ये प्रेतत्व के कारण आपके अंदर नपुंसकता और कायरता के संस्कार भरे जा रहे हैं, तो इसको समाप्त करना है, और इसका एक समाधान है बजरंग बाण अनुष्ठान। आप जीवन में बजरंग बाण को अपने जीवन का आधार बनाइए, आहार विहार की शुद्धता रखिए, और फिर आप साधना के मार्ग पर अग्रसर होंगे और भौतिक जीवन में भी सफल होंगे। निश्चित रूप से ये कोई संदेह नहीं है, आने वाला हमारा जो समय है हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है, परंतु बिना संघर्ष के आपको समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ये सदैव ध्यान रखना है। तो मैं यही कहूंगा कि धर्म के जितने भी विषय हैं उसका प्रमाण शास्त्र होना चाहिए और शास्त्रार्थ होना चाहिए, शास्त्र चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए सभी प्रयत्न करें, सभी प्रयत्न करें, निष्पक्ष भाव से प्रयत्न करें, निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करें। नारायण। जी गुरु। रविश कुमार पांडे, घर में पितृ दोष के लक्षण क्या हैं गुरुदेव? तो घर में जो भी आपकी आपसी कला है या अशांति का वातावरण है या पूजा पाठ साधना में मन नहीं लग रहा, तो ये सब पितृ दोष के लक्षण है, या पितृ दोष या फिर प्रेत दोष, कोई पितृ आपका प्रेत योनि में है तो तब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आप बजरंग बाण अभियान से जुड़िए, और यदि कोई ऐसा दोष होगा तो आपको संकेत अवश्य मिलेगा इस चीज का।
देखिए इन्होंने कहा कि एक है एडवोकेट अभिलाषा जी हैं, उसमें उनका बजरंग बाण से जटिल बुद्धि भी खुल जाती है, तो खुल सकती है। ठीक बजरंग बाण है। से वो बहुत चमत्कार हो रहे हैं गुरुदेव लोगों के साथ, ऐसे ऐसे अनुभव आ रहे हैं कि चमत्कार लगते हैं वो देख के। हाँ बिल्कुल। दिनेश जिंगर, भाई की शादी नहीं हो पा रही है, भाई को बोलिए कि अर्घलाय स्तोत्र का अनुष्ठान करें, या साबर मंत्र एक दिया था वीडियो में शीघ्र विवाह हेतु, उसका भी अनुष्ठान कर सकते हैं। वृद्ध रक्षा दल वालों ने ये प्रश्न यमुना मैया की सफाई करना, सफाई तो करना है, उनकी भी सफाई करना है जो यमुना मैया को जो है अशुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए अभियान छेड़िए। जब अपने एमएसपी के लिए अगर किसान एक आंदोलन छेड़ सकते हैं, तो अपने हम गंगा जी और गाय और उस यमुना जी के लिए आंदोलन नहीं छेड़ सकते हैं। प्रयत्न जी करिए, ये होना चाहिए पूरे देश में। और आज का समय बहुत अच्छा है, ब्रज भूमि के प्रति जो आकर्षण है समाज का, ये एक समय है। बस केवल एक संगठन की आवश्यकता, एक नेतृत्व की आवश्यकता है। आप नेतृत्व करिए, एक आयोजन करिए और पूरे समाज को और सरकार को, दोनों को चेताइए, उनको जागृत करिए कि यमुना जो नदी है पवित्र है हमारे लिए, भगवती स्वरूपा है, तो उनकी ये दुर्गति जो हो रही है इसको रोकिए। और जो लोग इस दुर्गति के कारण बन रहे हैं, उनको अशुद्धता कारण बन रहे हैं, उनके विरुद्ध जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होने अब करिए। ये प्रयत्न बहुत आवश्यक है। प्रश्न करें, देख लो प्रश्न बाकी लोग। आर्ट आफ्टरनून विकास नाम है इनका। नमो नारायण स्वामी जी, अनुष्ठान के समय बहुत गंदे ख्याल आते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जी ये दो तीन कारणों से होता है, स्वामी जी ने जैसा वीडियो में पहले बताया, आपका आहार विहार अगर अशुद्ध है, खान पान सही नहीं है, तो अनुष्ठान के समय में ऐसे विचार आते हैं, या कई बार परीक्षा भी होती है साधक की, तो उस समय भी इस तरह के विचार आते हैं। तो आप जो भी आपके इष्ट हैं आप उनसे प्रार्थना करिए। पितृदोष के भी लक्षण होते हैं ये। जी गुरुदेव, तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए, वो आगे मार्गदर्शन मिलेगा, विचार धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी। और पितृदोष के ऐसे लक्षण स्वामी जी ने बताया, तो आप अमावस्या को छैताली का प्रयोग या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का कार्यक्रम करवा सकते हैं। संजय कुमार, कैसे पता करें कि भूत हमारे घर में है? बजरंग बाण पढ़ के बजरंग देखिए, बजरंग ये तो एक हमने बाण पढ़ के बिल्कुल देखिए भूत हो। सटीक सटीक समाधान है। जी गुरुदेव, कहीं आने की थैंक। जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस सीधा बस बजरंग बाण पढ़ो, स्वयं हनुमान जी आकर बता देंगे कि घर में कौन है कि कौन नहीं है, वो अपने आप बता ही नहीं सामने आ देंगे, जाएगा। उनकी सही व्यवस्था भी कर देंगे। जी गुरुदेव, रश्मि वीरमणि महाराज जी, क्या महामृत्युंजय महामृत्युंजय का जाप और ओम नमः शिवाय का जाप घर पर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, यदि आपको दीक्षा प्राप्त मंत्र मिला हुआ है तो आप जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं इसको। धीरज शुक्ला, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बड़ी नकारात्मकता है, कैसे ठीक करें? जी अभी इस वीडियो में ही इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं कि ये पितृदोष के भी लक्षण हो सकते हैं आपके, तो आप बजरंग बाण अभियान से जुड़िए रविवार, और एक बार पितृदोष का निवारण करवाइए। गुरु जी, राजस्थान में प्रत्येक मंदिर के बाहर बालाजी लिखा होता है, अधिकतरों में यही लिखा रहता है। बस जी वो सर, जो ये विषय हमने, इस विषय पर हमने पहले ही सारी चर्चा की है कि ये जितनी भी चीजें हैं सब अशास्त्रीय है। अब मैंने तो कह दिया है, समझा दिया है, इस पे या तो आप शास्त्रार्थ करो, या तो हमारे संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार उसमें सुधार करो, या तो फिर जो चल रहा है गलत, जो चल रहा है सही, अधर्म हो रहा है तो उसको चुपचाप देखते रहो।
हमारे धर्माचार्य तो देख ही रहे हैं जी बोलो। आप लोगों को भी देखते रहो, परंतु ये है कि जो जो सत्य है वो हमने बता दिया। इस विषय में तो कहने वीडियो में क्या करो, अब बनाया सत्य हुआ है पहले तो जग उठे, अब सच बोलू तो राम। जी बोलो। सभी धर्माचार्यों को आप लोग प्रश्न लिख के भेज सकते हो अपनी तरफ से। हाँ, पूछ सकते हैं अगर हर कोई प्रश्न करेगा तो। जितने भी धर्माचार्य उनसे प्रश्न करिए, केवल आप मुझ तक सीमित मत रहिए। मैं कितना आपको बार बार एक ही विषय को रखता जाऊं। जब आप सब लोगों के प्रश्न जाएंगे तो वो भी विवश होंगे, उत्तर देंगे इस चीज को। हाँ, अब समस्या यही है ना हमारे साथ में, कहते हैं कि भाई कितना है। अब मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय देना पड़ता है। मैं अभी नए साधना बताने के लिए मैंने कई स्तोत्र वगैरह बना के रखे हुए हैं कि चलो नई साधना बताओ, ये करो, ये इन्हीं प्रश्नों में उलझे जा रहे हैं। सारा विषय हमने एक बार समझा दिया, कई लोग बार बार कमेंट्स करते हैं, बार बार वही प्रश्न करते रहते हैं, ठीक नहीं है। जो चीजें अब समझ गए हो आप लोग, अब दूसरों तक प्रसारित करो। कितना हम समझाएंगे, कितनी बातें आप चाहते हो कि बार बार। और ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा अधर्ममय है, थोड़े विवादित है, इसीलिए इन पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। हमारा काम है कल्याणप्रद चीजें बता देना, जो गलत है वो भी बता दिया, सत्य वो भी बता दिया। अब बाकी आप लोगों का भी तो धर्म बनता है ना, आप लोग भी तो कह सकते हो कि नहीं ये अशास्त्रीय है, ये आवश्यक है कि मैं ही बोलूं ये सारा विषय। आप भी कहना शुरू करो, सोशल मीडिया पर लिखो कौन सा आपके ऊपर जो है ये FIR होने जा रही है। कई जगह बताया कि नहीं, वो बर्बरीक आदि का जो स्थान आया था, हमने वो तो बर्बरीक का स्थान है, उनको पूजनीय नहीं है, वो शास्त्र में उनको राक्षस की योनि में माना गया है। और फिर भी जो है उस पर कई लोगों ने विवाद किया कि नहीं स्वामी रूप से FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कहते उन्होंने करो भाई, सत्य तो पता चलता ना कि सत्य क्या है, क्या है सत्य पर चर्चा तो होती कम से कम। तो ये क्या है, समाज में अधर्म है, अखंड धर्म है। तो जो चीजें हैं गलत है तो गलत है। हमें जब भगवान राम है, कृष्ण है, नारायण है, उनके मंत्र हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। इनमें से कोई भी 5-6-10 जो देवता है, जो मूल रूप में मुख्य रूप से गणेश जी है, काल भैरव जी है, भगवान शिव है, भगवान शिव जी के अन्य रूप है, भगवती दुर्गा है, भगवती काली, 10 महाविद्या जो कि प्रमाणित है, इतनी 10 महाविद्या में किसी एक का एक भी देवताओं की आराधना कर लो पर्याप्त है। फिर इधर उधर क्या जरूरत है, ये देवता वो देवता फलाना, ये अशास्त्रीय चीजें, ये देवी वो देवी, ये मसानी वो मसाना, ये देवता वो देवता, दुनिया भर के देवता ही देवता बना दिया। वो ऐसे में उत्तराखंड को सबसे देवभूमि है, देवभूमि मुझे भी लगता था ऋषि मुनि वहां रहते सब देवभूमि है, बाद में पता चला सब राक्षसी पूजे जा रहे वहां पे बैठा के। ऋषि मुनियों की भूमि, आज सूर्य डूबता है तो कोई वहां शंखनाद नहीं होता है, वहां कोई यज्ञ आदि नहीं होते हैं, जैसे सूर्य सूर्य अस्त और गढ़वाली मस्त, ये कहा होता है तो मस्त क्या है, ये शराब पीकर मस्ती, ये क्या है, ये दुर्गति है, दुर्गति की सीमा में पहुंच गई। ऋषि मुनियों की भूमि आज प्रेत भूमि बन चुकी है। तो कौन बोलेगा ये सब चीजें, हमने बोल दिया, समझा दिया, अब आप यही विषय उठाइए और लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम नहीं आप बोल सकते हो तो चीजों को शेयर करिए, इतना तो आप उठा ही सकते हैं ना सब चीजें। अब हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी के मंत्र है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बालाजी नाम का कोई शब्द नहीं, और बाला शब्द तो वैसे भी स्त्रीलिंग ही बनता है। और देखो मेरे इतने कहने के बाद भी एक भी धर्माचार्य नहीं हुए कि जो इस पर बोल सके, कोई नहीं बोला। हमने स्पष्ट लिखा है। और यदि मैं गलत हूँ, अशास्त्री बोल रहा हूँ, तो भैया मेरे पे क्लेम कर दो, मुझे पे FIR कर दो, मुझे फांसी भी चढ़वा दो, क्या दिक्कत है, मैं तो उसके लिए भी तैयार बैठा हूँ। चर्चा करो ना इस विषय में, क्या समस्या है, बालाजी है या नहीं है, चर्चा करो ना, शास्त्रार्थ करो, चुनौती दो, करो आयोजन अपना, वहां पे बुलाओ 10-15-20 महात्माओं को, धर्माचार्यों को, विद्वानों को, हमें भी बुला लो, हम आ जाएंगे और रख दे अपनी बात। और यदि मैं अशास्त्री बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ, अधर्म में बोल रहा हूँ, तो जो आप मुझे दंड दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा,
और जो समाज के साथ छल कर रहे हैं, जो समाज में अधर्मों का वृद्धि कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो शोषण कर रहे हैं, अधर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, अशास्त्रीय देवी देवता को स्थापित कर रहे हैं, शास्त्रों की अवहेलना हो रही है, शास्त्रोक्त विधि विधानों को नष्ट कर रहे हैं, इनको क्या दंड देना चाहिए? वहां तो आप जाकर बढ़िया चढ़ावा चढ़ा के आते हो। नहीं, मुझे बता, मैं आपसे पूछूं एक बार, मैं बोल ये सब विषय बोलने लग जाऊं तो फिर हमारे अंदर आ जाती उग्रता और रुद्रता फिर आ जाती है। तो अभी क्या है, ठीक है, शांति चल रही है, ठीक है, परंतु मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। आप इसको विषय को आगे बढ़ाइए, और मैं कह रहा हूँ शास्त्र प्रमाण के साथ, इसके लिए हम पूरी तैयारी भी कर लिए थे। हमने जब सुना कि FIR हो गया तो बहुत ही बढ़िया काम है, तो फिर तो आनंद ही आ जाता, पूरा वो अवसर मिल जाता सारा विषय रखने के लिए, वो भी रखते अपना विषय। और फिर मैं कहता हूँ धर्म का विषय है, हम क्यों कोर्ट में जाओ, न्याय में जाओ, FIR ये सब क्यों है? शास्त्रार्थ करो ना, शास्त्र चर्चा करिए, सिद्ध करिए कि नहीं भैया वो भगवान है, देव है, पूज्य है। मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो जाए जो भी वहां पर राजस्थान में, मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान में कोई, जैसे वो भगवान कृष्ण खाटू श्याम का विषय आता है बर्बरिक, मैं कहता हूँ बर्बरिक है, सबको पता है बर्बरिक है कि नहीं, वो पता नहीं खोपड़ी है, किसकी खोपड़ी क्या है, वो कैसा है, होगा सब चर्चा करो ना, क्या दिक्कत है? और यदि वो बर्बरिक है, राक्षस है, तो क्यों पूजनीय? शास्त्र में लिखा हो तो बता दो कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं चुनौती देता हूँ, यदि ये कोई सिद्ध कर देगा कि नहीं उनको भगवान कृष्ण के रूप में पूजनीय माना गया है, ऐसा कोई सिद्ध कर देगा तो मैं ये सन्यासी जीवन ही छोड़ दूंगा, ये वस्त्र उतार दूंगा मैं, चेरी चुनौती मेरी, स्वीकार कर लो कोई भी। राजा मंच पे पूरा दुनिया देखे इसको लाइव, कोई भी आ जाओ, कोई भी चर्चा करे इस विषय पर। तो वो बर्बरिक भी नहीं है बोलते, वो ये भी प्रमाण नहीं है उनके पास कि वो बर्बरिक भी है। फिर वो बर्बरिक भी है, इस बात का क्या प्रमाण है? उनका तो वो रखा गया था हरियाणा में, ये पहुंच गए यहाँ पर। और फिर मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ रहस्य में बात, कि द्वापर युग में जो मनुष्य के शरीर होते थे वो बहुत बड़े होते थे। राजस्थान में एक जगह खुदाई में 80 फीट का नर कंकाल मिला है, उसकी मेरे पास दैनिक जागरण में उसकी पूरी खबर आई थी, वो उसका फोटो भी आया था, वो मेरे पास कटिंग रखी हुई थी घटोत्कच के नाम से, इंटरनेट पे उपलब्ध होगा वो। 80 फीट और 10 फीट की खोपड़ी, तो कोई कहते घटोत्कच का था, मैंने कहा घटोत्कच का नहीं, उस समय के जितने भी नर थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने जब राजा मुचकुंद खड़े हुए, राजा मुचकुंद को जब उन्होंने जगाया, वो त्रेतायुग के थे, तो राजा मुचकुंद भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि राजा मुचकुंद जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे वृक्ष हैं, छोटे छोटे मनुष्य हो चुके सारे, क्योंकि वो त्रेतायुग के थे, वो निद्रा में चले गए थे, युद्ध से थक गए, देवासुर संग्राम करके थक गए, तो उन्होंने उनको देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम निद्रा में रहोगे, विश्राम करते रहो, द्वापर में तुम जगोगे, भगवान कृष्ण आएंगे। उसमें भगवान कृष्ण भी उनके आगे छोटे शरीर में थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द्वापर के जो मनुष्य शरीर होते थे वो बड़े हुआ करते थे, जैसे हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ उखाड़ के, मतलब अब तुम सोच लो ना, कोई व्यक्ति एक पत्थर भी उठा के जाए तो एक वानर भी होगा, कितना बड़ा वानर होगा, बलवान होगा, तो मान लो मेरे शरीर से भी 10 गुना भी होगा, तभी भी इतना बड़ा पत्थर उठा लेगा, पहाड़ कैसे उखाड़ देगा कोई, कितना बलवान, कितना विशाल शरीर रहा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे कई वानर थे और राक्षस भी वैसे हुआ करते थे। तो उस समय वहां पर राजस्थान में एक जगह पे खुदाई में इतनी बड़ी खोपड़ी मिली, जो 10 फीट की खोपड़ी है, साइज उस खोपड़ी का साइज 10 फीट का है, और 80 फीट का वो हो गया, तो 90 फीट का तो पूरी लंबाई होगी उसकी। जी तो वो है, तो जो पता करो ना, इतनी बड़ी तो खोपड़ी कम से कम होनी चाहिए ना 10 फीट की, और फिर होगी भी तो उसको तुम पूजने को किसने कहा? उसमें तो लिखा है महाभारत में, यज्ञ द्वेषी ब्राह्मण देशी पापात्मा च राक्षस, ये पापात्मा और राक्षस था, भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच के मरने पर प्रसन्न क्यों हुए, वर्णन आता है ना उसमें, मैंने एक वीडियो भी बनाया भागवत महापुराण, श्रीमद भागवत महापुराण का पूरा प्रसंग सुनाया आप लोगों को, पूरा श्लोक और प्रमाण दे दिया, और क्या चाहिए आपको प्रमाण?
फिर भी नहीं जी हमको तो राक्षस से पूजना है, आप कौन होते हो बोलने वाले, तो पूजो ना भाई, मैं कौन मना कर रहा हूँ, मेरा काम है जो धर्माचार्य हूँ मैं, देव कौन है देवता कौन है मैं बता रहा हूँ, गर्दन पकड़ कर किसी को मैं नहीं कह सकता कि तुम देवता को ही पूछो, मैं क्यों करूँ भाई, तुम अपना कर्म तुम जानो, तुम देव स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, प्रेतलोक में जाओ, योनि में जाओ, कहीं भी जाओ, मेरा कार्य है आप लोगों को सन्मार्ग देना है, मानते हो सुनते हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हो तो राम राम। परंतु जो अधर्म समाज में फैल रहा है, अशास्त्रीय चीजें समाज में फैल रही है, उसका विरोध होना चाहिए, और केवल एक रूपेश स्वर्णन का काम नहीं है ये, वो सब समस्त धर्माचार्यों का कार्य है। तो भारत भूमि में मैं कह रहा हूं ये जितनी भी मरे हुए लोग हैं जिनको तुम देवता बनाकर पूज रहे हो, और देखो मैं ये बात बोल रहा हूं, कई लोग सुन भी रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा देवता कुछ भी कर सकता, मैं कह तेरे देवता जितने भी सब भेज दो भैया मेरे ऊपर, मैं भी तो देखो ना तुम्हारे देवता उन्हीं उन गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों काम करते हैं, उन्हीं के साथ क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, जिन बेचारों के पास दो रोटी कमाने के लिए अपना दिन रात लगे रहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं ज्ञान है, जो बेचारे निर्बल है निर्धन है गरीब है, उन्हीं लोगों पे तुम्हारे देवता चढ़ते रहते, अरे हम पर भी चढ़ा देते, इतने वर्षों से तो मैं बोल ही रहा हूँ, कई अघोरियों ने तो मुझे कहा कि नहीं हम तुमको 3 दिन में देखो दीपावली में तुम कहाँ चले जाते हो, ठीक है भाई उन्हीं का पता नहीं है कहाँ चले गए, उनका ही पता नहीं चल रहा कहाँ चले गए, हम तो अभी भी बैठे हुए अपने आश्रम के अंदर, मेरा किसी के साथ मैं बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ मेरी जो एक कर्तव्य है मेरा जो दायित्व है केवल धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है बस, और मैं समाज को सनातन धर्म के प्रति मेरा जो दायित्व है कर्तव्य है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि समाज यदि कोई दुर्गति में जा रहा हो, समाज यदि अशास्त्रीय पद्धति से आचरण कर रहा हो, तो क्या समाज सामने वाला कोई व्यक्ति को देख रहा हूँ कि वो गड्ढे में जाकर कूद सकता है गिर सकता है, तो क्या मैं उसको मना भी ना करूं कि तू भाई वो आगे मत बढ़, यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हुए कभी गड्ढे में गिर रहा हो तो ऊपर से एक को धक्का मार देंगे जाए और कूद जाए अच्छे से, बैठे यहाँ पे प्रेत पूजा दरबार चल रहे सरकार चली रहे, तो ये मूर्खों की भीड़ में जो ये समाज में चल रहा है इसको रोकने का कार्य धर्माचार्य का होता है। और मैं आपको कहता हूँ कितने भी बड़े पदों पर बैठ जाओ, मैं तो बोल चुका था मैं पहले भी अभी भी वही बात कर रहा हूँ, कितने भी बड़े पदों पर बैठ जाओ, दुनिया तुमको कितना भी महान माने पूजे माने, यदि धर्म के अनुरूप तुम लोगों का आचरण नहीं है, धर्म के साथ तुम खड़े नहीं हो, तो निश्चित रूप से तुम धर्म तुम्हारी जो है दुर्गति करेगा। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गति, तुम्हारी परम गति हो ही नहीं सकती। और इसी धर्म के लिए इसी राष्ट्र के लिए इसकी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कई अभी हम लोग देखते होंगे कि फेसबुक आदि पर भी हमारे वीर सेनानियों के फोटो डाले जाते हैं कि वो कैसे बेड़ियों में रहा करते थे, कैसे उनको फांसी पे लटका जाता था, कई फोटोज पुराने डाले जाते हैं, कई लोगों ने बलिदान दिया है शरीर प्राण सब कुछ समर्पित कर दिया है, अगर मेरा भी चला जाए तो मुझे क्या तात्पर्य, राष्ट्र और धर्म श्रेष्ठ है वो बचेगा तो सब बचेंगे, तो हम जैसे लोगों का काम यही है, इसीलिए हम जन्म ही लेते हैं, तो हमने अपना काम कर दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ जो बात तुम्हें जो समझ में जो भी बोलता हूँ, अभी क्या और बोलना है, मैं कह रहा हूँ ना ये सब प्रेतों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अच्छा जितने भी तुम राजस्थान हरियाणा यहाँ पर जितने भी कोई भी अगर इनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है तो ये देवता कैसे हो सकते हैं, जिसका वर्णन ही नहीं है शास्त्रों में उनको देवता कैसे मान सकते, और जिनको देवता मानकर पूजना चाहिए उनका वर्णन शास्त्रों में है, क्या वो देवताओं की संख्या कम है, हनुमान जी है पर्याप्त नहीं है क्या तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए, दुनिया भर के तुम्हें वीरों की जरूरत पड़ गई, महावीर पर्याप्त नहीं है, नरसिंह वीर पर्याप्त नहीं है, भैरव 52 भैरव पर्याप्त नहीं है, भगवान शिव जी पर्याप्त नहीं है, दुर्गा जी काली भगवत 10 महाविद्या नहीं है, उनका साधना विधान नहीं है, वो क्यों नहीं करते हो मूर्खो, वो क्यों नहीं करते, इस समाज में तुम लोग जो नए नए गड़े गड़े मुर्दों के, और इतना ही नहीं है, अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा किसी की माँ मर गई 14 वर्ष के बाद उसको याद आया कि इसकी मजार बनानी चाहिए,
वो वीडियो है, मैंने कल लिंक भेजा ना ग्रुप में, तुम लोगों ने देखा। 14 वर्ष के बाद उसको स्मरण हुआ, याद आया कि उसकी माँ की मजार बननी चाहिए, तो वो वहां पे मजार बनवा रहा है। एक आदमी वहां पर पहुंच गया, रिपोर्टर कहता है भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मजार बना रहे हो? किसकी बना रहे? बोले अपनी माँ की बना रहे। बोले कि कब मर गए थे? बोले 14 साल पहले। बोले अब क्यों बना रहे? बोले तब कोई व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था, क्योंकि अब कब्जा करना है ना वहां पर। तो मजार बनाना और उसके पीछे जो अंदर कौन बैठा है, प्रेत है, मरा हुआ आदमी, लाश गड़ी है ना, शव है ना उसके अंदर, उस पर तुम पूज रहे हो चादर चढ़ा के, अगरबत्ती धूपबत्ती, किसको पूज रहे भैया? इतने अंधे और मूर्ख तो तुमने सृष्टि में कोई कहीं नहीं देखे होंगे, जिसको पता है कि हम ये लाश इसमें गड़ी हुई, इसके अंदर पड़ी हुई, सड़ी हुई है, गड़ी हुई है, उस पर तुम लोग वहां पर चल रहा है वो सब कर्म का। चलो ठीक है, उनकी परंपरा है, वो करे नरक में जाए, उनका भगवान जाने वो कहां जाए, उनका अपना परंपरा, हम क्या, हमको क्या लेना देना। लेकिन तुम्हारे माथे पर क्या हो गया? कौन से तुम्हारे माथे पर जो है, मतलब खोपड़ी में इतना बड़ा जो है कोई पिशाच चढ़ गया है कि तुम लोगों को वहां जाकर तुम्हें चादर चढ़ानी पड़ रही है, सनातन धर्म के अनुयायी होकर भी। भाई संत ज्ञानेश्वर महाराज जी महाराष्ट्र में है, इतने बड़े संत, वहां तो कोई वहां इतना किसी को भीड़ वहां पर लगाने का किसी के मन में नहीं हुआ कि जो कि सक्सेस शरीर जीवित है वो, और सिद्ध महापुरुष उनसे जैसा कौन हुआ ही नहीं, उन प्रमाणित सिद्ध पुरुष थे वो, और अभी भी जीवित है, सशरीर है उनका, उनकी न उनका शरीर न तो सड़ा है, न गला है, न मरा है, न कहीं कुछ नहीं, वो जीवित है, वो तभी भी शरीर है। वहां जाकर तुम्हें नहीं करना, नहीं वही जाएंगे जो हमारे संत का पार्ट ना, बस बाबा लग गया ना किसी के आगे, बस फिल्म बन गए उनके नाम पे, चलो बुलाव आया है, और उनके मंत्र भी बना दिए, उनकी मूर्ति भी बैठा दिए। अरे भाई वो जो तो खुद ही वो क्या है तुम लोगों का इतना पागलपन, इतनी मूर्खता सनातन धर्म में देखने को मिलेगी, सनातन धर्म अनुयायियों के साथ देखने को मिलेगी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक होती है ना दुर्गति, वो समझ में आती है कि दुर्गति होती, लेकिन ये तो महादुर्गति है, वो महादुर्गति शब्द भी उनके सामने जोड़ दो तो वो क्या छोटा पड़ जाता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने ऐसे लोगों को नराधम कहा है, नमाम दिस्कृतनो मूढ़ा, ये मूढ़ लोग कहेंगे, प्रपद्यन्ते नराधमा, ये नरों में अधम लोग है, माये अपृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, ये माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया है और इसे आसुरी भाव राक्षस भाव को प्राप्त हो चुके हैं, और इसीलिए ये मुर्दों को राक्षसों को पूज रहे। और इनको समझाने जाओ ना, आज भी इन ये पुराने जो लोग बुजुर्ग लोग है, बूढ़े वृद्ध लोग है, सुनने को तैयार नहीं है। अरे धर्मा जी कहाँ ज्ञान आ गया तुमको, हमारी परंपरा है भैया, हम तो करते रहेंगे, हम तो गड़े मुर्दे, हम तो गड़े मुर्दा ही गाड़ेंगे, हम तो जलाएंगे क्यों, हमारे बाप दादा ये किए। अरे तुम्हारे बाप दादा किए, लेकिन वो सही था कि गलत था, इस पर तो चर्चा करो ना, इसमें क्या समस्या आ रही है, बुलाओ संत महात्मा को, धर्माचार्य को बैठा दो। और देखो मैं इस मामले में अभी तो चलो, मैं पहले तो लोगों के बीच में भी नहीं आना जाना करता, अभी हम आरंभ कर रहे हैं, और मैं किसी से भयभीत नहीं होता, तुम जहां कहोगे जहां बुलाओगे मैं आऊंगा, और शास्त्र की विधि के साथ प्रमाण के साथ बात रख रहा हूँ, लाइव भी बोल रहा हूँ ना, कोई मेरा भाई कोई वीडियो एडिटेड तो नहीं है सारे वीडियो, जो भी विषय रख रहा इतने दिन वर्षों से रखा, कई लोगों ने जो भी विषय रखे हमने सत्य रखे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यह अधर्म है तो उसको मुखर होकर बोलिए, सोशल मीडिया में जो भी जहां ये अवसर मिला है रखिए विषय, देखा जाएगा, कोई तो रिप्लाई करेगा ना, पता तो चलेगा। अब जैसे कई लोगों ने हमें जैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र वर्ण आता है हमारे धर्म शास्त्रों में, शूद्रों के नाम पर जो है कई लोगों के साथ हो गया, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, ठीक है, तो भगवान से ही द्वेष करने लग गए, भगवान से ही प्रश्न करने लग गए, ठीक है, हमने आज वो वीडियो बनाकर उसका उत्तर दे दिया, समाधान कर दिया। अब इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, ठीक है रखो, विवाद को बढ़ाने से अच्छा है कि एक सामूहिक चर्चा हो जाए, सारे लोग लाइव देखे सुने, जो सत्य होगा सामने आ जाएगा, शास्त्रार्थ इसी को बोलते हैं ना, शास्त्र का जो अर्थ है वो सामने आ जाएगा, सबका भला हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। ईश्वर को मानना और ईश्वर को न मानना, ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, ये दोनों विषय, दोनों पक्ष सदैव से रहे, आज का विषय नहीं है ये,
क्या रावण क्या त्रेता युग में ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, रावण नहीं था, कुंभकर्ण नहीं थे, राक्षस नहीं थे उस समय, जो भगवान को नहीं मानते थे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। तो ये आसुरम भाव आश्रित, आसुर भाव इसी को कहते हैं, क्योंकि माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया। अब क्या कहा जाए इनको, फिर भी इनकी ज्ञान को बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान हम जैसे को भेज देते हैं नीचे कि जाओ भाई थोड़ा बहुत तुम लोगों को बड़ी दया रहती है, संत हृदय न होने तो समाना, जाओ करो समाज का उद्धार कर लो। तो ये स्थिति है, हम अपना विषय रख दिए हैं, आपको समझ में। आज हमने बजरंग बाण अभियान के माध्यम से श्री हनुमान जी की उपासना बताई। कितना विरोध हुआ शुरू शुरू में, आरंभ में कितना विरोध हुआ, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति मतलब हम लोग और आप लोग जो हमारे ये जो तुम लोग जो गण हमारे सेवा गण लगे रहे, धर्म योद्धा जो तुम लोग सब लोग थे लगे रहे, इतना तुम लोगों का सहयोग से आज ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार बजरंग बाण पढ़ने से कितना लाभ हो रहा है, आप लोग सब कह रहे हैं आज। तो मतलब आप सोच लीजिए कि मैंने आप लोगों के लिए कितना, आपके हित के लिए, आपके जो हितकारी चीज थी जो आपसे छुपाई जा रही थी, आपसे आपके सामने नहीं लाने दिया जा रहा था, उसको लाने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है, हमारे साथ के जो सहयोगी ने कितना संघर्ष किया है, कितना समय दिया है, कितना जो है हमें दबाव सहना पड़ा, कितना लोगों का आक्रोश और आवेश सहना पड़ा, परंतु सत्य सामने आया ना समाज के सामने कि नहीं बजरंग बाण पढ़ने से कल्याण होता है। तो आज कितने लोगों का भला हो रहा है, आज किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा तो बजरंग बाण तो पढ़ रहा है बेचारा। आज एक आया था व्यक्ति, मजदूर है, मजदूरी करता है, वो लोहे से कुछ बर्तन वर्तन बनाने का काम करता है। उसने बताया गुरु जी जब मैं बजरंग बाण पढ़ता हूँ तब से बस जीवन बन गया हमारा, कहाँ जा रहे थे क्या जीवन हमें प्राप्त हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें इन सब चीजों पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करिए। हम आपके जहां आपको ऐसा लगेगा कि नहीं एक आचार्य की मार्गदर्शक की आवश्यकता, वहां मैं खड़ा हूं, लेकिन जो आपकी भूमिका है आप भी निभाइए, आप भी रखिए विषय जो हमने रखे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये नहीं कि लाइव में आ रहे अपना विषय नहीं है। अब जो बार बार प्रश्न करेंगे जब भी हम सभी, मैं तो चाहता हूँ अभी सुनने में आ रहा है हिंदू आचार संहिता बन रही, ठीक है, इसको हम कह रहे कि सनातन धर्म संहिता बनाए, सनातन धर्म आचार संहिता बनाइए, सनातन धर्म संहिता बना दीजिए, आचार शब्द छोड़ दीजिए, संहिता ही बना दीजिए भाई जैसे वो। और उसमें ये नियम होना चाहिए क्या शास्त्र, क्या शास्त्र के आधार पर प्रमाण सही, पर प्रमाणित शास्त्रों के कल कोई प्रश्न ना उठा सके, आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रश्न होने ही नहीं चाहिए। और आज ये अवसर है कि विद्वान लोगों को, जैसे हम ही है, एक हमें अवसर मिल गया, हम ये बलुआ घाट में इस कोने में पड़े हुए थे कि हमें गांव वालों को भी पता नहीं कि हम हैं कि नहीं ये धरती पर फिर भी देखो अवसर मिला हमें, हमने अपना विषय और ज्ञान समाज के सामने, आज पूरा विश्व जो है देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। तो ये विषय रखना पड़ेगा, ये संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष हमने किया, हमारे साथ के सहयोगी ने किया, वो भी इतने सारे लोग इतना सहन किए, लेकिन फिर भी आत्मा संतुष्ट है उनके, क्यों जो लोग इतने सारे रहे, कैसा लगा मेरे जो हम लोगों ने अभियान किया आज इतने, तो तुम लोग जो समूह में हो इतने सारे, जो छाट के तुम लोगों को हमने निकाला उसमें बाहर ग्रुप में जुड़े हो, कैसा लगता है तुम लोगों को ये सब धर्म का कार्य कर ले? अच्छा लगता, संतोष रहता है, और कोई अगर परेशानी भी रहती है किसी को तो कुछ मतलब समस्या होती नहीं है, कोई टेंशन नहीं रहती किसी को, बाकी लोग जैसे परेशान घूम रहे हैं। क्या हाँ अपने धर्म के लिए हमने कुछ सच में, मतलब तुम्हें ये नहीं लग रहा था कि क्या हमारे जीवन का सच में एक ऐसा भाग था जो हम कहीं ना कहीं छूट रहा था मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कि कुछ करा नहीं है मनुष्य शरीर में और कुछ कर नहीं पाया धर्म के लिए, तो ऐसा भाव नहीं है अब नहीं है ना, ये सब चीजें जो इसलिए आ गई क्योंकि आत्मसंतुष्टि मिली। तो ये जो विषय है आप रखो, आप लोग भी प्रयत्न करो, नहीं कुछ हो सके शेयर करो, जो भी हो लोगों के सामने रखो। हमने अपने जीवन में, मैं से बता रहा हूँ साधु के, जो इसलिए मैं बता रहा हूँ साधु आज भी पूजनीय और हमेशा रहेगा, दो चार लोग अगर साधु वस्त्र पहनकर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ उनके द्वारा हो गया तो वो उसका उनका व्यक्तिगत दोष है,
सामूहिक रूप से आप संत समाज को दोषी नहीं दे सकते, और दोषी देते भी है अगर मान ले है तो हम आपको अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हम इस सम्मान को पुनः स्थापित कर किए है ना, करते जी। तो ये सारे विषय हैं, बाकी देखो ये सब लोग अपना शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो जो भी हैं अपना बनाते रहे ना, देखो सब अपने ही कमेंट आ रहे, जीवन का ध्येय सब पता नहीं था और सब हो गया, ज्ञान मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, जीवन का ध्येय दिए, जीवन का समझ में आना, नहीं तो पशु की बातें चुन देते। एक दिन समय सबका आता है, उस समय में कुछ हाथ में नहीं रहता। हमने जीवन में यही एक अनुभव किया, जो भी हम अध्यात्म मार्ग पर जब आए तो हमारे जीवन का एक ही मतलब चिंतन था कि जीवन का सत्य क्या है, बस यही जानना था। और जीवन का सत्य न जानते और हम ऐसे ही चले जाते तो क्या लाभ था भाई, खाए पिए नहीं तो पता ही नहीं चलता है इधर, ये तो शरीर का सिस्टम ही ऐसा, इधर से खाओ और पता ही नहीं चले कहाँ जाए, क्या सिस्टम अंदर से होता रहता है। करोड़ जो जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है और जो 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है, दोनों खाई रहे जी रहे वो सब। तो जीना अलग बात है और जीवन उद्देश्य के साथ जीना एक अलग बात है। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो भाई एक उद्देश्य होता है ना कि कहाँ जा रहे भाई, तो टिकट लेके चलते हो कि स्टेशन पे उतरना है। यहाँ तो पता ही नहीं है कि क्यों ट्रेन में चढ़े हैं और कहाँ उतरना है कहाँ चढ़ना है। चलो ठीक है, कोई नया प्रश्न विशेष प्रश्न आया है क्या? एक विशेष तथ्य है, स्वामी जी ने आपके अनुसार बजरंग बाण किया और मुझे 2 बार बहुत अच्छे अनुभव हुए जिसे मैंने बता दिया, अनुभव होने बंद हो गए। देखो इसने एक लिखा है कि आपको कोटि कोटि धन्यवाद जोशी, आपने क्या लिखा है, मुझे एक बहुत बड़े मजेदार से निकाल दिया, आपको कोटि कोटि नमन। पता नहीं उनका क्या मजेदार से कैसे निकाल दिया, जो भी एक बजरंग बाण को लेकर शंका थी इनके मन में कि कई लोगों को लाभ हुआ। मैं तो ये भाई जीवन में मैं कहता हूँ मेरे जीवन का 2-4 लक्ष्य मान पहले शुरू से ही थे। मैंने क्या सोचता था कि मुझे 8-10 लोग मिल जाए बस ढंग के साधक, तो अपना यह अभियान जो भी हो, भावना थी जीवन का उद्देश्य था, हमें भी बड़ी संतुष्टि हो गई। अब शरीर जयराम जी की बोल दिया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये है कि संतुष्ट जीवन में हो, कुछ कर लिए बस, देश के लिए धर्म के लिए समाज के लिए कुछ हो गया, इतना बहुत है, आगे जितना होता है और अच्छा है। जब तक जिएंगे तब तक सीएंगे और तब तक कहेंगे। और भी देख लो, ब्रह्म को स्थान देने पर भी शांति नहीं है गुरु जी, बजरंग बाण नहीं कर पाता, बजरंग बाण कहाँ से कर पाओगे जब ब्रह्म को स्थान दोगे घर पे, तो बजरंग बाण को करते रहना और ब्रह्म या इन सब को स्थान नहीं देना है किसी को। इसी विषय में वीडियो सब चल रहा है, सेशन चल रहे हैं हमारे लाइव इतने सारे, देखिए। जितेंद्र सिंह राठौड़ का प्रश्न है, मुझे तो गुरु ने भी छल किया गुरु जी। अब कौन से गुरु जी ने छल किया तुम्हारे साथ भाई, पता नहीं क्या किया, समस्या ठीक करने को बोला तो उल्टा करके चले गए। क्या होता है कि जिनको आप गुरु मानते हो ना, शास्त्र में जिनको गुरु कहा जाता है, वो होते हैं जो ईश्वर का अनुभव कर चुके, जो ईश्वर के मार्ग पे चल जाते हैं। तुम लोग क्या है, कोई खास मंत्र सिखा दिया ओजासो का, जो ओजासो का भोपा, इनको भी गुरु मान लेते हो। ये ज्ञाता होते हैं, गुरु नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने मंत्र जानते हैं तो कभी कभी उल्टा सीधा मंत्र सीखते हैं, ये सब ओझा सोखा भोपाओ के, जब ये जाल बहुत खतरनाक है। अब इसके लिए एक बड़ा अभियान में छेड़ रहा हूँ, और केवल केवल प्रवचन उपदेश से बात बनने वाली नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपने को साधना करनी चाहिए, कुछ साधक चाहिए। अब जैसे हमने एक महाकाल यज्ञ किया, इस महाकाल यज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा शुद्धिकरण समाज में हुआ है। तुम देख रहे हो ना, इसी जब से महाकाल यज्ञ हुआ है इस देश में एक जैसे एक उलट फेर हो रहा है, एकदम उथल पुथल चल रही है, उलट फेर और शुभ शुभ उलट फेर हो रहे हैं, उलट फेर में भी शुभ क्रियाएं हो रही।
तो ऐसे ही ये जो विद्याएं सीखे हुए हैं, ये जो साबरी मंत्रों के द्वारा और तंत्र विद्या के द्वारा जो सीखे हैं, तो इनको हमें समझना पड़ेगा, इनका जो इनकी विद्याओं का जो इनकी विद्याओं का भक्षण करना पड़ेगा, और इसके लिए जो उच्च कोटि की शक्तियां है, जो महाविद्या उपासना है वो करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ साधक समुदाय को अपना समय निकालना पड़ेगा, हमें भी समय देना पड़ेगा। यदि हमने आपके जीवन में कुछ समय सुधार लाया है तो आपको भी हमारे उसमें अभियान में सहयोगी बनकर कुछ समय देना पड़ेगा और समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा। केवल आप मेरे पास आए, आपका भला हो गया, आप सीमित रह गए, बस हो गया भाई हमारा काम, तो अब हम घर में बैठ के राम राम चुपचाप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक ऋण समाज और राष्ट्र का होता है, धर्म का होता है, उसके लिए भी आपको मेरे साथ सहयोग करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से साधना में सहयोग करिए, साधना करिए, मैं आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा ज्ञान उपदेश देने में, साधक श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाने में, अपने में जो है सो है, जितना है सब बता देंगे, परंतु उसके द्वारा आप अपने साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र धर्म के उत्थान के लिए भी अपना थोड़ा योगदान करोगे, तो यही मेरी दक्षिणा मानी जाएगी। रुपए पैसे ये कोई दक्षिणा नहीं होती है, और ये इतने बड़े दिव्य ज्ञान, दिव्य मंत्र, ये केवल कुछ रुपए पैसों के बदले दिए नहीं जा सकते। भले ही चलो मान लीजिए कभी कभी परिस्थिति बस हम लोगों को, अब लोगों की परिस्थिति रहती है, दीक्षा मंत्र आदि के माध्यम से हम देते हैं, माना कि अंतकरण में चीजें स्वीकार नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत हो गया, अभी हमने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी लोगों को ये रहता है कि चलो भाई कम से कम कुछ तो कर ले, घर में बैठे कर ले कुछ तो है, लाए भी सही, हमने सब कुछ समाधान देने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी जो है कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमें करना पड़ेगा, तब ये है इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो ये देखो ये सब समस्या आ जाएगी। और इसलिए गुरु जी आपसे बात हो सकती है क्या, बातचीत करने से अच्छा है कि आप लोग एक बार भेंट कर लो, मिल लो। इसके लिए 7700 पर वो अपना मैसेज कर दो, और आप ये अनुभव मुझे बताओ क्या आपके साथ होता है, क्यों होता है, क्या हुआ, आप सीधा आकर बातचीत करो, और अपने अनुभव बताने में आप डरो मत, कि कोई भी ओझा सुखा तांत्रिक जो भी होगा वो सब हम देख लेंगे, जो भी चीजें होगी, लेकिन समाज के सामने सत्य रखो, और जो ये समाज में जो लोग समाज के साथ छल कर रहे, शोषण कर रहे, मैं कहता हूँ समाज में मैंने देखा है कि भाई आदमी हर दो रोटी खा रहा है, सुखी है, चैन से जीना, अपने परिश्रम कर रहा है, घर बना रहा है, मकान बना रहा है, तो बस तुमको देखो ऐसे पिशाचों को देखा नहीं जाता है, और वो बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते, तो बस तंत्र मंत्र लगा देते इनके पीछे, देवता लगा दे, भूत लगा दे, नजर लगा दे, टोना कर दे, टोटका कर दे, कुछ मंत्र पढ़ लिया कि भाई ये यंत्र किसी के घर में गाड़ देने से कलह होता है, तो यंत्र बना के गाड़ दे उसे घर में, यही करना है उनको काम। ऐसे जो नीचे और नराधम लोगों के विरुद्ध भी हमें एक ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए, तो बजरंग बाण वही ब्रह्मास्त्र है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग अगला जो हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, जो प्रहार करने वाले हैं, वो भी महाकाल शक्ति का होगा। तो महाकाल शक्ति जागरण होगा, उसके लिए अभी हमने आरंभ कर रहे हैं, अपने आश्रम में अखंड महाज्ञ हुआ, अब छत्तीसगढ़ में भी हम लोग 5-6-7 मार्च को छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम रखेंगे, और वहां से हम छत्तीसगढ़ से, हमारे भी भगवती 36 वाली ही है, तो छत्तीसगढ़ से शुरू कर रहे हैं, और उधर के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो देखते हैं और वहां से आरंभ करते हैं। तो आप आओ, वही अपने विषय रखो, मुझे मुझे वो लोग पसंद जो बहुत अच्छे लगते हैं, जो भले ही ईश्वर को माने न माने वो इतना नहीं, साहसी होना चाहिए, साहसी लोग मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे आप भले ही ईश्वर नहीं है ऐसा ही बोलने का साहस करो, साहस करो, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए, सत्य रखो, दुराग्रह मत रखो, सामने वाले के पास भी ज्ञान हो सकता है, सामने वाला भी सत्य हो सकता है, आप भी असत्य हो सकते हो, अंत में शास्त्र समाज का हित जिसमें हो वो चीज स्वीकार करो, वो शास्त्र को प्रमाण, शास्त्र की अवहेलना न हो, शास्त्र का उल्लंघन न हो, बस इतना होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और ये समाज का कल्याण हो सकता है। आप 7600 पर आप मैसेज कर दीजिए, देंगे हम समय, समय देते, ऐसा नहीं लोग मुझसे मिलते नहीं है, मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, ऐसा तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है मेरे साथ, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग आते हैं, मिलता हूँ सबसे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब कभी भी आप आ गए, मैं अनुष्ठान में हूँ, साधना में हूँ, पूजा में हूँ, क्या कर रहा हूँ उसमें, ऐसा नहीं हो सकता,
मैं समय देता हूँ, लाइव में आता हूँ, दो दो तीन तीन घंटे, अभी देखिए 2 घंटा 25 मिनट तक लगातार बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं इतना? 2 घंटा 25 मिनट पर तो हम यहाँ पर बैठ के कुंडली विश्लेषण कर देते, किसी की देवी समस्या समाधान सुन लेते, पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ हमारे पास, प्रदक्षिणा तो भी आ जाती हमारे आश्रम में, लेकिन वो सब छोड़ के भी जी समाज के लिए हम बोल रहे कह रहे हैं, इसलिए कि इसीलिए संतुष्टि, ये सब होता है संतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, और आत्मसंतुष्टि से बड़ा सुख कुछ नहीं है। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे, आप लोग जो भी समस्या हो तो हम आपकी सहायता करेंगे जितना संभव हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं आपको गारंटी दे दूंगा, मेरे पास गारंटी नहीं होती, वही पहले मैं बोल देता हूँ, प्रयत्न करता हूँ बस आपके जीत में जितना हो सके। गारंटी हमारे धर्मशास्त्रों में है, धर्म ऋषि मुनि ने दी है, ये सफल होता है उसको विस्तार विश्वास है तो करो, नहीं तो विजय राम जी। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो देख लो, नहीं तो फिर नारायण नारायण करें। जी उदय, और तो कोई पुरानी प्रश्न है, बजरंग बाण, क्या बजरंग बाण हेल्थ के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कई हाँ लोग की ठीक है, हेल्थ बाकी खास सूचनाएं, अगर समस्या सूचना है। आदि देनी हो तो दे दे। जो नए सदस्य जुड़े हैं वो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, अधिक से अधिक चैनल लोगों को तक ये सब्सक्राइब कर विषय दिया पहुंचे, करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करने में अगर समस्या आ रही है तो जैसे आप स्क्रीन को थोड़ी देर टैप करके रखेंगे तो लाइक का बटन आ जाएगा सामने, कई लोगों को दिखाई नहीं देता, समस्या आती है कैसे लाइक करें। ये ब्रज रक्षा दल गुरु महाराज चरण पर मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, यमुना मैया की सफाई करना जीवन का लक्ष्य है, आपका आशीष बनाए रखना। हम आशीष भी है और आवश्यकता पड़े तो हम भी आ जाएंगे, आप लोग आगे इसके लिए बढ़ो, भी आपके गुरुदेव साथ जी मैं हूँ। अनुष्ठान अनुष्ठान भी कर हाँ, सकते हैं ये लोग साथ में, गंधर्व तंत्र के संकल्प बारे में लेकर, बताइए, बताएंगे क्या करें। हाँ, एक अनुष्ठान भी हम संकल्प लोग कर लेकर। सकते हैं, इसके लिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण का एक अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि केवल भौतिक बल से कार्य नहीं होता है, भौतिक और दैवीय बल दोनों चाहिए, तो जी आप इसके लिए भी हम लोग करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ, आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी आप प्रयत्न करोगे उसके लिए हम अपने आपको दैवीय बल प्रदान करने के लिए, हाँ कोई आपको अनुष्ठान करते हैं। ये नदियों की सुरक्षा होना बहुत आवश्यक है, देखो हमारे जो मूलभूत तत्व है, पंच तत्व है, और नदी है, गाय है, गंगा है, इस सब इनका इनकी रक्षा होना बहुत आवश्यक है, तो इनकी रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, शासन प्रशासन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कम से कम गंगा जी रहेगी, जीवन रहेगा, जल रहेगा, जीवन रहेगा, वायु शुद्ध रहेगा तो जीवन रहेगा, भूमि शुद्ध रहेगी तो जीवन रहेगा, सत्ताएं बदल सकती बदल, लेकिन ये सब चीजें अंत में अपने कोई परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी खानी पड़ती है, पता चला कि जल ही शुद्ध न मिले तो क्या होगा, जी तो हमें जल की रक्षा करनी पड़ेगी, नदियों की रक्षा करनी पड़ेगी, जल की रक्षा करनी चाहिए तो हमें नदियों की रक्षा करनी पड़ेगी, नदियों में जो विशेष पवित्र नदी है उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम आपके साथ में हैं, आपके लिए हम प्रयत्न करेंगे, और हम एक विशिष्ट अभियान हम इस विषय में इसकी योजना बनाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर भौतिक स्तर पर भी हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़िए। बजरंग बाण अभियान एक बहुत जी बड़ा एक सामूहिक प्रहार है, दैवीय प्रहार है समझ लेना, एक बहुत बड़ा हम पूरे भारतवर्ष के जो सज्जनों के लिए, धर्म अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ा व्यापक रक्षा कवच इसके बजरंग बाण के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, और दुष्टों पर उनका दमन करने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र प्रहार भी है, तो बजरंग बाण अभियान के साथ अवश्य जुड़े, ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको जन जन तक पहुंचाने में अपना भी योगदान दीजिए। मेरे कुल देवता और आप आ बंधन में जाओ हैं कभी तो भी, ब्रज क्या? रक्षा दल वाले 7607233230 पर मैसेज करो, आप आ जाओ, अभी हम आश्रम में कुछ दिन तक हैं, और 5-6 5 के बाद 4 के मतलब 4 को हम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ उपस्थित रहेंगे छत्तीसगढ़ में, तो 4 5 6 7 को वहाँ रहेंगे, 8 को आश्रम रहेंगे। ठीक है, एक लाइव में त्रिपुर सुंदर जो गंधर्व तंत्र के लिए भी करते हैं, ये विषय लिख लीजिए, जो भी श्रद्धालु जो अपनी सेवा सहयोगी है
लिख लीजिए। आत्मदर्शन यानी, तो ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है फिर। मेरे कुलदेव तो बंधन में है। हो गया भाई, कितना बोलेंगे हम लोग? क्या हम रविवार को भजन गान कर सकते हैं? जी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नारायण करते हैं। ठीक है गुरुदेव, क्योंकि दो घंटा 30 मिनट हो गया भाई, तुम दोनों हो गया, मैं भी अपना समय दूं थोड़ा, तो विश्राम करते हैं सब लोग। शुभ रात्रि। नारायण नारायण नारायण।